लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब पे छाए वो है राजा, वो दिलों पे राज करते। सब पे छाए वो है राजा, वो दिलों पे राज करते। छाए वो है राजा, वो दिलों पे राज करते। शका 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 वाना पी या मसा मसा जिंदगी में गम भी बड़े बड़े तो भी हम जीना ना छोड़े। हमको जमाने से कुछ ना मिला चाहे फिर भी रोके से हम ना रुके। मेरे लिए जो लड़ रहा है उसका नाम है तरुण। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, फिर भी ऐसा हो गया। मैं प्यार नहीं करना चाहती थी, फिर भी हो गया। वो कौन है मैं नहीं जानती थी, मैं कौन हूं वो नहीं जानता था। कुछ दिन पहले तक हम एक दूसरे के लिए अनजान थे। अरे अरे अरे, पूजा शुरू होने से पहले ही तेरे हाथ में फुजड़ी, इसके बुझने के बाद हाथ धोकर पूजा में आ जाना। ठीक है दादाजी। बाबूजी बड़े और जलेबी तैयार है। लो लो माँ बड़ा। अरे तुझे भी मिलेगा। बेटा अभी इसे मत छूना, पूजा के बाद खाना। तरुण कहाँ है? तैयार हो रहा है। हाँ जाओ जाओ, बुला कर लाओ उसे जल्दी। ये तू क्या कह रही है? सच कह रही है भाभी। सुनिए जी, देवर जी घर पर नहीं है। क्या बात कर रही हो? कहाँ गया? पता नहीं माँ जी, देवर जी घर पर नहीं है। ये बताओ तुम्हारा बेटा नहीं दिख रहा है, कहाँ है? यही तो खड़ा है। मैं बड़े वाले की नहीं छोटे वाले की बात कर रहा हूँ। अभी तक बाथरूम में ही क्या? नहीं जी, वो तो कब का तैयार हो गया है। उसे कुछ लेना था ना, इसलिए बाजार चला गया है। चाचा सामान लेने के लिए बाजार नहीं गए दादाजी। वो तो सुबह से ही गायब है। कहाँ गया वो बदमाश? छाए वो है राजा, वो दिलों पे राज करते। सब छाए वो है राजा, वो दिलों पे राज करते। वो ना किसी से भी है डरते, मस्ती जिंदगी में वो रहते। हम भी उसी दुनिया में जीते, राजा बन के दिलों में रहते। क्या मुझे वास्ता एक ही अपना रास्ता, कम करना हमको दिलों का ये फासला। छाए वो है राजा, वो दिलों पे राज करते।
wanna be a masa masa. जिंदगी में गम भी बड़े बड़े तो भी हम जीना ना छोड़े, हमको जमाने से कुछ ना मिला चाहे फिर भी रोके से हम ना रुके, हम तो मोहब्बत से जीते हैं यारो, हमको तो छूना है वो आसमां, हम जो कभी भी ना ढूंढ पाए हमको है आज उसी को पाना, हमने भी तो ठानी है आज अब बस में नहीं पीछे हटना, दिल की सुनता हूँ मैं जब अच्छे काम हम दुनिया के प्यारे बहुत ही, हमको करते हैं सारे सलाम, कुछ ऐसा करके है बस गुजरना, यादें रखेगी ये दुनिया, आंखों में हमको बसना सभी के चेहरे पे लानी है खुशियाँ, वादा वादा सबको है वादा बस में करनी दुनिया हमें, सारी की सारी हिम्मत जुटा के इस पल को करना वश में हमें, छाए वो है राजा वो दिलों पे राज करते, सब छाए वो है राजा वो दिलों पे राज करते, वो ना किसी से भी है डरते, मस्ती जिंदगी में वो रहते, हम भी उसी दुनिया में जीते, राजा बन के दिलों में रहते, सब छाए वो है राजा दिलों पे राज करते, भूल जा सिम सिम। लगता है पापा पिछले जन्म में किसी जेल के जेलर रहे होंगे। ओम शांति। पापा तूने क्यों बुला रही है? उन्होंने कहा है तुम्हारे आते ही मुझे बताना। पापा की चमची। कौन है बेटा? ओम शांति शांति शांति। महर्षि कहाँ से आ रहे हो तुम? वो मैं मंदिर गया था, महापूजा करके आ रहा हूँ, अब प्रसाद भी साथ लाया हूँ। कितना श्रद्धालु है। तुम्हें टिकट मिली क्या? मिली ना, सारे शो हाउसफुल थे, ब्लैक में टिकट लेनी पड़ी। ब्लैक में टिकट? दिमाग खराब हो गया है। मंदिर में इतनी भीड़ थी कि आगे की सीट के लिए ब्लैक में टिकट लेनी पड़ी। दूध से अभिषेक किया? अभिषेक क्या डांस किया उसने, मैंने भी उसके जैसा डांस किया। वहाँ डांस भी किया? वो बदन में देवी आ जाती है ना, तो सब लोग हिलने डुलने लगे, तो मैंने भी देवी की तरह डांस कर दिया। अरे माँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और ये कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। मंदिर गया था तो नशे में झूम क्यों रहा है? भैया झूम मैं नहीं रहा हूँ, नींद के मारे आपकी आंखें झूम रही हैं। खैर छोड़ो, जाओ इसके लिए खाना ले आओ। माँ और दो ना। अच्छा छोटे, फिल्म कैसी थी? सॉलिड थी भैया, मेरे हिसाब से तो गोल्डन जुबली पक्का। हमें भी देखनी है। मुझे पता ही था, इसलिए सब लोग के लिए टिकट लाया हूँ। अब बस भी करो बातें, रात बहुत हो गई, जाकर सो जाओ। चलो अब सोते हैं। तुम सब इसे बिगाड़ रहे हो या ये तुम सबको बिगाड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा तरुण, ये उम्र बेलगाम घोड़े की तरह है, किसी की नहीं सुनता, बस भागता रहता है। मीठे में कुछ है क्या माँ? नहीं, आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ ना। बेटा फूल तोड़ेगा तो फूल मिलेगा, कांटा तोड़ेगा तो कांटा मिलेगा, वक्त रहते सही रास्ते पर चल। देखो अपने बेटे को, मैं इसे कुछ समझा रहा हूँ और ये जुबाइया ले रहा है मेरे सामने। रुकिए, आ रही हूँ ना। ये देखो, ये तो सो गया। तरुण क्या हुआ? तुमसे कुछ लाने के लिए कहा और देखो कैसे खर्राटे मार रहा है। बेचारा मंदिर से थका मांदा आया है, सोने भी दीजिए ना। मैं भी किससे बात कर रहा हूँ, तुम भी तो इससे मिली हुई हो। सुन लो सभी, ये
हम दो नहीं एक हैं, लिया जो पंगा तो उसकी खैर नहीं, सुन लो सभी ये, हम दो नहीं एक हैं, लिया जो पंगा तो उसकी खैर नहीं। हे, चलो जल्दी जल्दी बाहर आओ। बाप रे, ये पकड़ तेरे पैसे। ला दे। ए, चोर 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 रुक। ये क्या है? बैठे दो पैसेंजर और पैसा एक का दिया। चलो और पैसे निकालो। हम दिखने में दो हैं, मगर हैं एक। मुझे पागल समझाए क्या? तुमने राम और श्याम देखी है? हाँ देखिए तो। उसी तरह हम एक ही कोख से जन्मे हुए जुड़वा बच्चे हैं, दिलीप कुमार की तरह। जुड़े हुए जुड़वा। ये शाने, शर्ट जुड़ने से जुड़वा नहीं होता कोई। हम लोग की सिर्फ शर्ट जुड़ी हुई नहीं है, अंदर भी सब जुड़ा है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या तमाशा है? तुम दोनों मेरे गैस कंपनी में काम करते हो, यहाँ काम करना है तो तमीज से रहना होगा। ऐसे कपड़े पहनने का क्या मतलब है? आपको नहीं होगा लेकिन हमें मतलब है। बताओ क्या मतलब है? पहले आप बताइए, आपने गैस कंपनी का नाम डरपुर क्यों रखा है? शर्म की बात है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नाम धर्मराज है, मेरे पार्टनर का नाम पुरुषोत्तम है, दोनों का नाम जोड़कर डरपुर रखा है। सुना आपने, आपकी गैस कंपनी का नाम बता कर गया वो। ठीक है जाओ। सर लगता है कहीं गैस लीक हो रही है। वो यहाँ से लीक हो रही है। क्या बात है, ऐसा प्राणी पहली बार देखा है। चलो चलो जाओ। हे तरुण, लफड़ा हो गया। उन्हें आज यहाँ बुला लो। एक्सक्यूज मी सर, ये लीजिए। मेरा नाम तरुण है, बीयूसी कॉलेज का चेयरमैन। ये राजशेखर है, बीकॉम फाइनल ईयर कर रहा है, एक लड़की को चाहता है और वो भी इसे चाहती है, दोनों ही बालिक हैं। लड़की के घर वाले इसके खिलाफ हैं, इसलिए हम सब मिलकर कल इनकी शादी करा रहे हैं। कानून के हिसाब से ये गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली सर, ये शादी आपकी मौजूदगी में होगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा तो रहेगा, लेकिन कल सर की बच्ची की भी तो शादी है। मैं भी तो सर की बच्ची की शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। अपनी बेटी की शादी इससे करवा दीजिए। ये कोई मजाक है क्या? प्यार करती है तो उसे किसी के साथ भी बांध दूंगा। प्यार करने वाले के साथ ही वो खुश रहेगी सर। इज्जत और प्यार से बाहर जाओगे या फिर अंदर? गलती से भी किसी को हाथ लगाया तो आपको पता चलेगा हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। आप कानून के मुताबिक चलोगे तो हम अपने मुताबिक। कल आपके रखे हुए उसी मुहूर्त पर आपकी लड़की की शादी इससे होकर रहेगी और ये मेरा वादा है। सर, इसने तो आपको खुला चैलेंज दे दिया। जानते हो ना कॉलेज के लड़के कैसे होते हैं, 10 लड़के इकट्ठा हो गए तो फुदकने लगते हैं। मैं नहीं डरता, कुछ भी नहीं होगा। बारात आ गई है, अलर्ट रहो। किचन में दो आदमियों को भेजा तुमने? अभी तक तो नहीं सर। तो तुरंत भेजो उनको। ओके सर। हेलो मिस्टर ईश्वर पांडे। ओ सर, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। नमस्ते। ये है मेरे सम। हेलो सर, नाइस टू मीट यू सर। पंडित जी ये माला लीजिए। मुहूर्त हो गया है, दोनों को शादी का जोड़ा पहना कर ले आइए। बंदोबस्त ठीक है ना सर? पक्का बंदोबस्त किया है सर। गुड। जब तक सात फेरे नहीं हो जाते तब तक कोई भी कुछ भी हरकत करे एक्शन मत लेना। मेरी बच्ची के ससुराल वालों को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता आज ये शादी हो पाएगी। दीपिका अंदर क्या कर रही हो, दरवाजा खोलो। क्या बात है जी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? सर सर सर, दूल्हा गायब है। लड़का कैसे गायब हो सकता है? कहाँ गया मेरा बेटा? मेरे पास है वो। हाय। नो मिस्टर पांडे, मेरा बेटा इनके पास है, रिस्क मत लो। बेफिक्र रहिए सर, मेरा वादा है कल सुबह सुबह एसीपी के ऑफिस में मैं उसे पहुंचा दूंगा। एसीपी साहब, मैं सुचित्रा को ले जा रहा हूँ, मुझे फॉलो। अब हम क्या करेंगे सर? अगर तुम लोग मुझे रोकते नहीं तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता।
क्यों नहीं रोकते? मेरा बेटा उनके कब्जे में है सर। चल चल उतर उतर। ये रहा मयूरेश, जैसा ले गए थे वैसा लौटा रहे हैं। चलता हूँ सर। मेरी बेटी कहाँ है? ओ, आपकी बेटी सुचित्रा, अब तो राजशेखर की बीवी है। मेरी बेटी को भगा ले जाकर जबरदस्ती तूने शादी कराई? अरे रे 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 रे। उसने अपनी मर्जी से शादी की है और आपके लिए लेटर भी भेजा है, पढ़ेंगे क्या? ए, नाबालिग लड़की। जल्दबाजी मत कीजिए, जरा पलट कर तो देखिए। आपकी लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट है, कानून के हिसाब से अब वो बालिग हो चुकी है। सर, आपकी बेटी गई हाथ से। इसने जो किया सही किया है। आपने सही कहा माजी, तरुण ने दो प्यार करने वालों को मिलाया है। तुमने जिनकी शादी कराई है उनसे कहो ना कि वो यहीं हमारे साथ हमारे घर आके रह लें। बात तो सही गई, लेकिन तुम्हारे ससुर मानेंगे क्या? मतलब मेरे डैडी, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे तो कहेंगे तुम लोग आजकल के नौजवान अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी करते हो, ये गलत बात है। पता है उनके दिल को कितनी ठेस पहुँचती है, लेकिन तुम बच्चों को क्या फर्क पड़ता। खाना खा लेते, कहानी बाद में सुना दूंगा। तू रुक क्यों गया, आगे भी तो बोल। जानता है तूने पुलिस वालों से पंगा लिया है, अगर ऐसी हरकतें करता रहा तो एक दिन सलाखों के पीछे होगा तू। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा, भगवान ही जाने। सही कहा पापा, मैं अकेला ही हूँ जो तमीज से पेश आता हूँ। इसका क्या मतलब, बाकी हम सब क्या बदतमीज है? इसने जो कहा उसमें गलत किया है, एक बात अच्छी तरह समझ ले। बस तेरा नाटक शुरू हो गया ना। मैं जब भी कुछ समझाता हूँ तुझे नींद आ जाती है। मुझे पता है तू मेरी नहीं सुनेगा, शादी के बाद जब घरवाली आएगी ना वही तेरी अकल ठिकाने लगाएगी। नहीं, छोड़ दो। तुम उसे क्यों मार रहे हो? छोड़ दो मुझे, मत मारो। भवानी छोड़ दो उसे। दीदी, दीदी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब क्या हो रहा है भवानी? इस लोफर ने हमारी अंजलि को लव लेटर लिखने की हिम्मत की है। ये सच है अंजलि? उसे नहीं पता है दीदी, ये हमारी अंजलि को किताब में लव लेटर रख कर देता है। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझसे गलती हो गई दीदी। बाप ऑटो चलाता है, माँ लोगों के बर्तन धोती है, इस आवारा को हमारी ही लड़की मिली थी। बस करो, माफी मांगता हूँ, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है जाओ, अब घर जाओ और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। लाइए मालकिन। क्यों बे, तू मेरी लड़की को लव लेटर देगा और मैं तुझे छोड़ दूंगी? तेरी तो मैं ए, मेरी एक बात सुन ले। कलेक्टर के साथ नाश्ता करती हूँ, कमिश्नर के साथ चाय पीती हूँ, वो हंसती हूँ मैं। मेरी बेटी पर बुरी नजर डालने वालों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझा क्या बे? तेरे 100 टुकड़े करूंगी ना, तभी तुझे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। करूँ क्या? मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। चलो ठोट, और सुन, कल तक पूरे परिवार के साथ यहाँ से गायब हो जाना। अगर दोबारा मुझे तेरी शक्ल यहाँ दिखी तो पूरे खानदान को गायब कर दूंगी। ठीक है दीदी। चल निकल। अंजलि, क्या हुआ बेटा, डर गई क्या? ऐसे लड़के तुझे परेशान न करें इसलिए ऐसा किया, समझी ना? क्या जी, आप भी यहाँ इतना बड़ा लफड़ा हो गया और आप बैठकर इस तरह देख रहे हैं? देखिए हमारी बच्ची कितना डर गई है। अरे हाँ, टाइम हो गया, तुझे कॉलेज नहीं जाना? जाना है। जाओ जाओ, वरना देर हो जाएगी। जल्दी ले जा। हाँ। आजकल कॉलेज के क्लासरूम से ज्यादा कैंटीन में ही भीड़ लगी रहती है। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, मुझे तो सिर्फ बर्गर पसंद है, मुझे सिर्फ KFC का चिकन पसंद है, मैं तो वेज खाती ही नहीं। हैं? जरा देखो तुम आज टिफिन में क्या लाई हो। अचार और दही चावल। हैं? शक्ल से तो ये बासी उपमा लग रहा है। घर से ये लेकर आते हो और पिज्जा बर्गर की बातें करते हो।
देखो उनको घर से लाया हुआ खाना कैसे चुपचाप खा रहे हैं। तुम लोग ट्विटर पर मैसेज डाल डालकर सभी को झूठ झूठ बोलती रहती हो। फेसबुक पर फ्रेंड बनाकर पिज्जा बर्गर के लिए कबूतर फंसाती हो। लड़का यहाँ नहीं तो और कहीं। सभी लड़के बुद्धू नहीं होते समझी। जवान बच्चों को चैन से जीने दो प्यारी लड़कियों। क्या बात है। थैंक यू। आर्नोल्ड मैंने अंदर सिलेंडर दिया ना, वो बहुत खुश हुआ। हमें चाय दी ले और ये बन भी। छी, खुद तो पोकट का खाना खाते हो और दूसरों को भाषण देते हो। ठीक है ठीक है, छोड़ो छोड़ो। तुम्हारा वो दही चावल और सुबह का बना नाश्ता हम खा लेते तो तुम्हारा क्या होता। சாய்ந்து நீ பார்க்கும் போது தூ हमारे शादी के 10 सालों में मैंने ऐसा नहीं किया, तूने 1 सेकंड में कर दिया। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था ये आपकी पत्नी है। आप यहाँ कैसे? एडमिशन लेने आया हूँ। इन्हें एडमिशन दिलाने आए हैं? चुप, अपनी बेटी को एडमिशन दिलाने आया हूँ। ये बता, तू हर जगह ऐसे ही सिलेंडर पहुँचाता है? सॉरी सर। तुम लोग ऑफिस में आओ, फिर तुम्हारी क्लास लेता हूँ। ठीक है सर। बजरंग मंदिर जाना है, चलो उठो, चलो चलो। बजरंग मंदिर कहाँ है? वो मेरे गाँव में। क्या हुआ आर्नोल्ड, मालिक के साथ बहस हो गई है क्या? लाल पीले होके जा रहे हैं। सामने तो देखे यार। इस सिलेंडर वाले की सिंड्रेला वही है यार। ए, कौन सी क्लास है? बीएससी फाइनल ईयर। एक्सक्यूज मी, क्या बात है? ए, कौन है अंजलि? हेलो, कौन है अंजलि? तू है क्या? तू है? कौन है कौन है कौन है? तू है? यहाँ किसका नाम अंजलि है? तो तुम हो? नहीं मैं नहीं हूँ, अंजलि आज क्लास नहीं आई। ओहो, मेरे दोस्त को पिटवा कर मजे से घर पर है, बड़े बाप की औलाद। सुनो, इस कॉलेज में 800 लड़कियाँ हैं और उसमें से सिर्फ 8 लड़कियाँ खूबसूरत हैं, बाकी सब ऐवे ही हैं। किसी लड़के ने प्रपोज किया, पसंद आया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो सीधा ना बोल दो, लेकिन गुंडों से उन्हें पिटवाना नहीं। कह देना तेरी अंजलि से, आज के बाद ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा और कोई नहीं, खुद को पता नहीं क्या समझती है। अब मैडम कंटिन्यू प्लीज। तरुण, अब मैटर खत्म हो गया ना? चल तरुण उसके घर जाते। अबे तू उसको और क्यों भड़का रहा है? ए, उसकी दोस्त को धमकी दी है ना, आगे का काम वो करेगी, हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू ठंडा ले। हेलो, कुछ लड़के तुझे ढूंढते हुए यहाँ आकर कॉलेज में बहुत चिल्ला कर गए। हाँ, अब तू क्या करेगी? क्या तू ये बात अपने घर वालों को बताएगी अंजलि? छोड़ना यार, क्यों बेकार में मामले को बढ़ाया जाए। नहीं, कोई अलार्म सुनकर जागता है और मैं शोर सुनकर जागती हूँ। इन रोज रोज के झगड़ों से मेरा तो जीना ही हराम हो गया है पापा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये सब कब बंद होगा। ऐसे माहौल में दम घुटता है। आखिर माँ ऐसी क्यों है पापा? पता नहीं तुम्हारी माँ कब बदलेगी, लेकिन तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। जाओ सो जाओ बेटा। छोड़िए ना, डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ। ये हम पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। अगर आपकी दीदी ने देख लिया तो? अरे वो सो रही है, इसलिए सोने नहीं दे रहे हैं। इस सिलेंडर को अंदर रख के आ, पता ना हमें और भी जगह जाना है। माँ जी है? सर घर में कोई औरत नहीं है क्या? नहीं मैं अकेला ही हूँ। आप बुजुर्ग होकर इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं? आप बैचलर है क्या? नहीं मैं शादीशुदा हूँ, बीबी मंदिर गई। ओह ये बात है, मैं सिलेंडर देने आया हूँ। ठीक है अंदर रख दो। हाँ रख दो रख दो। सर ये लीजिए सिलेंडर का बिल। पैसे दीजिए सर। ये हाथ कहाँ डाल रहा है? गैस निकलने की जगह से गैस के पैसे निकले। 420। कौन है? नहीं सर आपने 420 रुपए दिए। हाँ तो उतने ही का तो बिल है। बिल पे छेल अंकल, पेपर में क्या छपा हुआ है? न्यूज छपी है। अंबाला हिल से आई हुई नई हीरोइन, नया चेहरा जिसका नाम है बंदूक की गोली की तरह। आहिस्ता बोल, पेपर पढ़। सॉरी सर, चिल्ला कर बोलने की आदत है। ठीक है। नया चेहरा अपनी अदा से सबका दिल जीत लिया। पिक्चर का नाम डबल रोल का धमाल। दुबकने का धमाल लिखा? नहीं सर डबल रोल लिखा। मैं लिखा गलत पढ़ूंगा क्या? ओ, तेरी मैंने गलत पढ़ लिया। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मेरा घर है यार। तेरा घर है तो फिर ये क्या रामू काका है? अरे ये मेरे पिताजी है यार। रामू काका नहीं पापा, तुम लोग एक ही फैमिली के हो। ये काले डांबर और तू कितना गोरा। संभाल कर बात कर। ठीक है। ये नमूना कॉलेज में मेरा सीनियर है, फिर ये सिलेंडर क्यों पहुंचा रहा है? अंकल
ये सिलेंडर पहुंचाने के काम को आप मामूली समझ रहे हैं? इंडिया का असली सुपरस्टार ये सिलेंडर ही है। मौत से जूझने वालों की जान बचाता है ऑक्सीजन सिलेंडर, और आप जैसों का पेट भरकर बचाता है हमारा लाया हुआ यही गैस सिलेंडर। समझ में आई बात? तू जान, ऐसे पागल कितने हैं तेरे कॉलेज में? पापा ये कॉलेज का कॉमेडियन है। ओ कॉमेडियन है तभी तो इतना ज्यादा बोलता है। 100 रुपया 100 रुपया ले लो 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपए का है मेम साहब। साइज करेक्ट है इसकी, कितने का है? बोला ना 100 रुपया। मैं 2 लेने वाली हूँ, 1 का 70 लगा दो। अरे क्या मैम साहब, भाभी आपको ये पसंद आई ना? हाँ तरुण। लाओ मुझे दो। लक्ष्मी को नाइटी चाहिए ना? आप जाओ मैं आता हूँ। ठीक है। हाँ काले जाओ। ध्यान से सुन, आज जब हम तुम्हारी दुकान से ये कपड़े लेकर जाएंगे और सबको बताएंगे कि तुम्हारी दुकान कितनी अच्छी है, और फिर वो लोग आगे चलकर 4 लोगों को बताएंगे, फिर वो 4 लोग और 40 को बताएंगे, 40 लोग 400 को बताएंगे, और 4 दिन में तुम्हारी चांदी हो जाएगी। ले जाइए साहब, आपका माल है। क्या बात है चाचू। ओके साइज करेक्ट है लक्ष्मी, कितने का है भैया? 1 मैक्सिका 300 रुपया। ये क्या खुल्लम खुल्ला लूट रहे हो? फेरी वाले 60 रुपए में देकर जाते हैं। अगर ऐसे है तो उन्हीं से ले लो ना। कहाँ से है छोटे लोग? छोटे लोग हो या बड़े लोग हो, आप बात जरा तमीज से कीजिए। पैसा मेहनत से आता है, नहीं चाहिए ये कपड़े। छोड़ो भाभी चलते हैं। चलो। अगर खरीदने की औकात नहीं तो अगली बार आना ना। मेरे पे हाथ उठा के तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मारो रे इसको। ए, आजा भाई लोग। ये लड़का तो बहुत अच्छी फाइट कर रहा है ना। आप यहाँ फाइट देखने आए हैं या ड्यूटी करने? हम जैसे लोगों की नजर में तेरी कीमत एक फूटी कौड़ी की भी नहीं है। चल। हाँ भाभी चलते हैं। चलें क्या? एक्चुअली सर पहले वो चुपकार। सुन ब्रिडो। सर इसके साथ साथ इनको भी ले चलो। मेरा दिल धक 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 धड़कने लगता है। वाह वाह वाह। मेरा प्यार जब जब तू मेरे सामने आता है। अबे गधे। सर आराम से, मालिक बेचारे पे चिल्लाइएगा मत। ये बताओ ये सिलेंडर के ऊपर बैठकर उल्टे पुल्टे शेर क्यों पड़ रहा है? मालिक मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा। हाय हाय बेचारी। सच में वो बेचारी है मालिक। मालिक ये डालने वाला सिलेंडर और वो गले में डालने वाली डायमंड का नेकलेस, इनका कनेक्शन कैसे होगा? मौका मिला तो ये भी डालेगा। अरे डायमंड रे, वैसे ये उसको ब्लैकमेल करके पटा लेगा। ब्लैकमेल करके पटाया तो पट जाएगी क्या? क्यों नहीं पटेगी वो? जब दो बादल आपस में टकराएंगे तो बिजली कड़केगी और बारिश तो होगी ना। ये क्या कह रहे हैं मालिक? छोड़, तू ये बात की गहराई नहीं समझ पाएगा। वो सब छोड़, पटक पटक के कपड़ा धोने वाले धोबी की लड़की झोपड़ा छोड़कर महल तक नहीं पहुंची है क्या? तो काले कपड़े को सफेद करने के लिए वहां तक पहुंच गई। तुझे पता है क्या? फिल्मों में देखा है मालिक। वाह क्या बात है, जब फिल्मों में वो लड़का धोबी की लड़की को अपना सकता है तो तू नहीं पटा सकता क्या? आपका मतलब ये कर सकता है? ये कोशिश करेगा तो होगा। रैम्बो आर्नोल्ड एक आइडिया आया है, SMS, MMS, ईमेल से एक बार ट्राई करूं क्या? अगर साइबर वालों को पता चल गया ना तो तेरी वाट लगा देंगे वो लोग। उससे सीधे बात कर। उससे बात करने के लिए नंबर कहाँ है? उसका तो नहीं है लेकिन उसकी माँ का नंबर है मेरे पास। उसकी माँ का नंबर? अबे हाँ, उनके घर में हम लोग सिलेंडर सप्लाई करते हैं ना, इसीलिए उसकी मम्मी का नंबर है मेरे पास। रैम्बो आर्नोल्ड। हेलो। अरे फोन लग गया। हाँ, बात कर रहा है। हेलो क्या मैं अंजलि से बात कर सकता हूँ? जी हाँ। हाँ बोलना। अंजलि मैंने तुम्हें लाइब्रेरी में देखा था। अंजलि मैंने तुम्हें देखा। उस वक्त मैं थोड़ी सी बिजी थी इसलिए तुझसे बात नहीं हो पाई। अरे मैंने भी तुझे देखा था,
मेरी क्लास का टाइम हो गया था ना, इसीलिए तुझसे बात नहीं कर पाई। उसने भी मुझे देखा, कह रही है बात नहीं कर पाई। वो तेरे जाल में फंस रही है, उससे पूछ कि कहाँ मिले। अंजलि, मुझे तुमसे मिलना है। बताओ हम कहाँ मिल सकते हैं? मेरे घर पर आ जाना। घर पर आ जाऊँ? वहाँ तो सब लोग होंगे ना। घर पर तेरा मामा होगा ना, तू डायरेक्टली मेरे बेडरूम में आ जाना। ओके ठीक है। हेलो, वो सीधे बेडरूम में बुला रही है यार। तेरी तो निकल पड़ी आर्नोल्ड। वो क्या है ना, ऐसी लड़कियां पब्लिक में शरीफ रहती हैं और घर पर कमाल करती हैं। लेकिन मैं उसके घर तक कैसे पहुंच सकता हूँ? तुम पहुंचोगे, उसके घर जरूर पहुंचोगे, लेकिन आर्नोल्ड बनकर नहीं। क्यों बे, चोरी करता है। अरे साहब, और चल भी आ गई, क्या कर रहे हो? अरे साहब, क्या कर रहे हो? तुमने उन लड़कियों से पूछताछ की? सर, उन लड़कियों को किस केस में अंदर डालूं? उनको भी डाल दो इसके केस में। ठीक है, ओके सर, जाओ। मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा? ए, चुपचाप बैठ। ये क्या शांति? हाँ सर। तुझे कितनी बार समझाया है कि ये पुराना धंधा छोड़ दे, लेकिन तू है कि सुधरती ही नहीं। देख, आज फिर पकड़ी गई ना। क्या करूँ, पापी पेट के लिए करना पड़ता है सब्जी। अच्छा, ये दोनों आइटम अपने जैसे ही चेक किया, ये दोनों कहाँ पकड़ी गई? अरे ये चोरी का केस है, बाजार में शॉपिंग के बहाने ये कपड़े चुराती है। ये शानी बहुत होशियार है, जो बीच बचाव करने आया मारपीट के लफड़े में फंस गया। अब इसके खिलाफ FIR बन रहा है। तेरे साथ ही वैन में डालकर कोर्ट भेजने वाले हैं इन्हें भी। सही कहा, केस पलट भी सकता है। देखा शानी को? भाभी, क्या हुआ भाभी? फिर दर्द हो रहा है? अब ठीक तो है? दर्द हो रहा है। अब रुकिए, मैं सर से बात करके देखता हूँ। अगर सर मान गए तो मैं आपको घर छोड़ दूंगा। सर, इसकी भाभी हार्ट पेशेंट है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, उन्हें घर भेज दूं क्या? सर, मेरी भाभी हार्ट पेशेंट है, मैं यहाँ हूँ ना, आप उन्हें जाने दीजिए। उन्हें यहाँ ले आओ। सर, हाँ। मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है और बड़े दिनों से किसी पर घुमाया भी नहीं। अगर तुम पर घुमा दिया तो ठीक हो जाओगी। ए, कमीने! अपनी औकात मेरे! पुलिस वाले पे हाथ डालेगा? बेटा, इसने पुलिस वाले पे हाथ उठाया है, इसका भी FIR बनाओ और इसकी फाइल में डाल दो। सर, ये सब क्या हो रहा है? सर, ये तो पब्लिक में लफड़ा कर। तुम चुप रहो, मैं सब जानता हूँ। लेडीज को लाकर यहाँ बिठाए हो? छे, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, ये सब क्यों करते हो? हाँ, चलो जाओ यहाँ से। आप भी जाइए। सुनो SCP, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करोगे तो मुझे अपना पावर दिखाना पड़ेगा। सुनिए जी। सुनिए ना छोटे, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है ठीक है, तुम 5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हो तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हैं महाशय? महाशय? हम में से महाशय कौन है? साइड के बाल सफेद किए ना, इसलिए ऐसा कह रहा है। ये पेपर सॉल्ट है, ये मेरा स्टाइल है। तेरा स्टाइल तू ही समझ सकता है, दूसरों को समझ नहीं आएगा। करेक्ट। ये बताओ, हमें ये गॉगल्स और सूट पहनाकर यहाँ क्यों लाए हो? सफेद शर्ट के ऊपर कोट, आंखों पर गॉगल्स पहनने वाला कहलाता है डॉन। डॉन 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 डॉन। हेलो, हम लोग समय से पहले पहुंचने के लिए पैदल आ रहे हैं, इसलिए हमें आने में देर हो रही है। ठीक है सर, हम आदमियों को भेज रहे हैं। ओके सर, ओके। सर, इन लोगों को पेड़ा देकर रिटर्न भेजना होगा हमें। पेड़ा देकर? ये सब लोग है कौन? ये सब नेताजी के नौकर हैं, उनसे बात करके इन्हें यहाँ यूनिफॉर्म में ले आया। पहले जो डॉन लोग कपड़े पहना करते थे, आजकल नेता के नौकर पहन रहे हैं। करेक्ट। ओके, इन सबको पेड़ा कल मिल जाएगा, अभी इन्हें भगाओ यहाँ से। ओके। एक और जरूरी बात है, अपना प्रोग्राम जल्दी खत्म करो। ये भाड़े का कोट है, हमें इसे लौटाना होगा। ये कोट है किसका? इस कोट का ओनर गोपी है। ये पहनते वक्त ही मुझे लूज लगा था, तभी मैं समझ गया था। लौटा देंगे, अब चल। ये किसका है गरीब खाना? ये अंजलि का घर है बेवकूफ डॉन, और ये अंजलि की माँ है। चलो अब अपने डॉन वाले स्टाइल में आवाज दो। कौन है? यहाँ आके बैठो। क्या बात है? गैस लीक हुआ तो बंद कर सकते हैं, अगर दिल लीक हुआ तो बंद नहीं कर सकते। चाय का कप एक हाथ से उठा सकते हैं, लेकिन भरा हुआ टोप उठाने के लिए 2 हाथ लगते हैं। ये तो मुझ पे ही डायलॉग मार रही है, इससे मुकाबला करो आर्नोल्ड। राज जानने के लिए गहराई में जाना ही पड़ता है। वाल्व लूज हो गया तो ट्यूब को बदलना ही पड़ता है।
यहाँ रिश्ते की बात करने आए हो तो वही करो ना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। डॉन जब भी बात करता है तो इसी तरह बात करता है बेवकूफ। तो फिर कंटिन्यू करो। हाँ। हे उधर कुत्ता भौंक रहा है, इधर तुम भौंक रही हो। कैसे इंसान हो, कुत्ते के लिए रखा हुआ बिस्कुट और दूध तुम खुद निकाल गए। ज्यादा मुंह मत खोलो, बास आ रही है, ज्यादा मुंह मत खोलो। ए, तू है कौन और यहाँ क्यों आया है? तुम्हें अपना बनाने आया हूँ। मैम साहब, ये तुम्हारी नौकरानी पर हाथ डाल रहा है। ये नौकरानी है क्या? आइला बहुत मारा रे। कितनी बार समझाया था, डॉन डॉन बनकर यहाँ से गया था, अब अपनी सारी हड्डियाँ तुड़वा कर यहाँ आया। चल वो सब जाने दे, तेरी हड्डियाँ तुड़ गई और इसे एक खरोच भी नहीं आई। फ्लैशबैक देखो। ए, अंदर एक की धुलाई चल रही है और तू भाग रहा है, कौन है तू? तू बोल नहीं सकता क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकता। वाह क्या दिमाग लगाया है, मैं चलता हूँ। तुझे तब बिल्कुल नहीं पड़ी, लेकिन अब जरूर पड़ेगी। क्या पड़ेगी? ये पड़ेगी, प्यार के लिए लोग अपना खून बहा देते हैं और तू किस तरह का दोस्त है? तेरा भी खून बह गया। नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारा है, जाओ जल्दी जाकर मेकअप कर लो यार। दो मिनट में हो जाएगा यार। नूडल्स है क्या? आप सबका स्वागत है। हर साल की तरह इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में 16 कॉलेज के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, तो देवियों और सज्जनों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज का ये कॉम्पिटिशन बहुत ही कड़ा होने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए।
सीधे नखरे दिखाती है दिलरुबा, तुझको इंतजार किसका है, काटा ना बन इश्क का, अब जो गई तो बुरा होगा, मुझसा कोई भी बुरा होगा ना, अमावस की काली छाया क्यों बनती है, बन जा चांद पूनम का, है बन जा तू चांद पूनम का, प्यार की चांदनी तू बरसा, प्यार की चांदनी तू बरसा, चारों तरफ चांदनी चांदनी में हम डूबे सारी रात नाच गए पागल हम प्यार के, चारों तरफ चांदनी चांदनी में हम डूबे सारी रात नाच गए पागल हम प्यार के, कुड़िया आपस की कुड़िया किसी को तो छोड़ मेरी अम्मा, अरे कुड़िया आपस की कुड़िया किसी को तो छोड़ मेरी अम्मा। क्या बात है भवानी, कॉलेज फंक्शन से लौटने के बाद से तू शांत क्यों बैठा है? क्या कहूँ दीदी, अंजलि का प्रोग्राम खत्म होते ही ना जाने वो कहाँ गायब हो गई। जानती हो स्टेज पर कितने लड़के घूर रहे थे उसे? लड़कियों को सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, डांस करने चली है। क्या हुआ दीदी, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ और आप मुझे घूरे जा रही हैं। अच्छा बता, तुझे अंजलि से शादी करनी है? दीदी मजाक क्यों कर रही हो? नहीं भवानी, मैं एकदम सच कह रही हूँ। वो हंसती है तो तू खुश होता है, वो रोती है तो दुखी होता है, उसे कोई लेटर देता है तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाता, मान या ना मान तेरा दिल पूरी तरह उस पर फिदा है। अब तू ही बता, तेरे जैसा लड़का उसे और कहाँ मिलेगा? अंजलि अभी पढ़ाई कर रही है। उसकी पढ़ाई तो होती ही रहेगी, कल ही पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवाती हूँ। तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम करेगा क्या? तू माँ और उस भवानी को कहकर तो देख कि तू किसी लड़के से प्यार करती है, वो फौरन तेरी शादी रोक देंगे। अगर उन्होंने पूछा कि लड़का कौन है तो? कह देना कि वक्त आने पर मैं आपको बता दूंगी। वो भवानी एक मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठेगा, वो खुद तो उस लड़के को ढूंढेगा ही और अपने चमचों को भी काम पर लगा देगा। तुझे कोई लेटर लिखता है क्या ये भी देख लेगा, यही नौटंकी चलेगी देख लेना। अंजलि ने कहा वो किसी से प्यार करती है, कौन है वो? मुझे नहीं पता। कोई तुझ पर बुरी नजर डाले मैं उसे मार दूंगा, लेकिन यहाँ बात तेरी पसंद की है। चल बिंदास बता, कौन है वो लड़का? वो एक, मैंने प्यार से पूछा तब भी उसने कुछ नहीं बताया। थप्पड़ मार के पूछती तब भी नहीं बताती। मैं उसका कॉलेज जाना बंद करवा दूं क्या? नहीं, उसे हर रोज की तरह कॉलेज जाने दो। कल से मेरे आदमी अंजलि पर नजर रखेंगे। कॉलेज जाते वक्त और आते वक्त अंजलि मैम सर किसी से नहीं मिली। हमने पूरे कॉलेज में सबसे पूछा अंजलि मैडम किससे प्यार करती हैं, किसी ने हमें नहीं बताया। ये खुद को शौनी समझती है, पहले ही बता दिया होगा उस लड़के को। तुम टेंशन मत लो दीदी, ऐसे मामले में जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। अब मैं कुछ करता हूँ, चप्पा चप्पा छान मारो, वो किससे प्यार करती है बस इतना पता चलना चाहिए। यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा अलमारी में देखो, उसकी किताबों में देखो, हर जगह देखो, जल्दी करो, घर का कोना कोना छान मारो, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। कुछ मिला क्या? एक छोटी सी फोटो भी चल जाएगी, जल्दी करो। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ बोल अंजलि। जैसे तूने कहा था वैसा ही हो रहा है, आज कॉलेज तक इन्होंने पीछा भी किया मेरा, मेरे कमरे की तलाशी ली जा रही है। आइडिया काम कर गया, वो बॉयफ्रेंड जो है ही नहीं ये पता चलने तक भवानी शादी की जिद छोड़ देगा। अब आराम से सो जा। यू आर राइट। सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया या फिर पी रखी है जो मुझे इस गेटअप में यहाँ तक लेकर आ गया तू रैम्बो? आर्नोल्ड, ये बड़ी खतरनाक फैमिली है, इज्जत से पेश आएंगे तो ये हमें लड़की नहीं देंगे, गुंडे बन के जाएंगे तो हमें लड़की मिल जाएगी। हाँ। लगता है आज बहुत पड़ेगी। नहीं, अंजलि तुम्हारी गोद में पड़ेगी। तेरा मतलब मैं समझा नहीं। अगर तू इस गुंडों की फैमिली में शामिल हो गया तो अंजलि को यहाँ से किडनैप करके हम ले जा सकते हैं। तो फिर मेरी जॉब का क्या होगा रैम्बो? जाने दो, वो कौन सा गवर्नमेंट जॉब है? अगर यहाँ मैं साबित कर दूं कि मैं गुंडा हूँ तो समाज में मेरी इज्जत बनेगी। वाह क्या बात है आर्नोल्ड, तुम एरिया के गुंडे नहीं डॉन बन जाओगे। डॉन बनने के बाद तुम राजनेता बनोगे, राजनेता बनने के बाद सारे सरकारी अफसर तुम्हारे सामने झुकेंगे, झुकेंगे। उसके बाद मैं बनूंगा नेता, पर ऐसा होने से पहले अगर मेरे हाथों में हथकड़ियां लग गई तो? पार्टी कब काम आएगी आर्नोल्ड?
चकाचक चमकती हुई चौदहवीं के चांद की तरह चमकती हुई एक नौजवान लड़की अपना मसाज करवा रही है। क्या ऐसी लड़कियां हमें चलेंगी? चलेगी, पहले इससे बात तो करो। वो लड़की पहले घूम के देखे तब तो बात बनेगी। ए जरा पलट लड़की। अरे ये लड़की नहीं, ये तो भालू है। और वाह, कौन हो भी तुम? विशाखापट्टनम के वीरभद्र रेड्डी को जानते हो? नहीं जानता। वो मैं हूँ। क्या चाहिए तुझे? तो मुझे अपना बॉस बनाएगा क्या? सॉरी, अपन तुम्हारा असिस्टेंट बनने के लिए आया है। दिखने में तो तू जोकर लगता है, तुझमें कोई दम नहीं दिखता। इज्जत का भाजी वाला। उदास होने की जरूरत नहीं है, इसे दम देखना है ना, चल इसको दिखा दे अपना दम। अबे दम तुझे उसे दिखाना था जिसने आइडिया दी, उसको नहीं दिखाना था। ऐसी हरकतें करोगे तो ये तुझे मेंटल समझेंगे। बाबा, अरे ये क्या, एक मच्छर से डरने वाले की इतनी बुरी तरह पिटाई कर दी? एक लड़की के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है भाई? सुनो, बहुत देर से ऐसे लेटा हुआ है। हाँ मालिक। ए आर्नोल्ड, जरा अपना दम मालिक को भी तो दिखा, इन्हें भी तो पता चले। मुझे मारते वक्त उसने क्या कहा था भूल गया क्या? अब जरा फ्लैशबैक देख रहा है वो। क्या बे, गले में लॉकेट डाला है, हाथ में कड़ा पहना है, कमर में पट्टा बांधा है, लेकिन अंदर एक चड्डी नहीं पहन सकता तू? हैं? मेरे आदमी किसी को टपकाने से डरते नहीं है, लेकिन देख तेरी वजह से ये बेचारा कोमा में चला गया। जो कोमा में गया उसने पहनी है क्या? हट! मैं ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। अर्नोल्ड, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने नहीं कहा। अब तो इस शहर में कभी दिखाई मत देना। इस शहर के चकनाके पे रह सकता हूँ ना? सीधे गाँव भाग जा। सीधे गाँव चले जाऊँ? मेरा टिफिन बॉक्स कहाँ है? मालकिन ने कहा है कि आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। क्या? कुमारी अंजलि का विवाह का रिश्ता पड़ोसी गांव के जमींदार के बेटे भवानी शंकर के साथ आज तय किया जा रहा है, और आज के इस शुभ मुहूर्त में इस रिश्ते को पक्का करने के लिए मंगनी की रस्म पूरी की जा रही है। आंखें फड़ के क्या देख रही है? जिसके साथ तेरा लफड़ा चल रहा है हम उसका पता नहीं लगा पाए, इसलिए तेरी मंगनी करवा रही हूँ। अब तो उस डरपोक को यहाँ आना ही होगा, और तब उसकी अकल ठिकाने लगाऊंगी। हे, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तू मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अब करेगी, क्योंकि अगले हफ्ते हमारी शादी है। लड़के की तरफ से मैं और लड़की की तरफ से उसके पिता मंगनी की थाली बदलेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणे नमोस्तुते इति शुभम। ये थाली पकड़िए यजमान, आप भी लीजिए। ध्यान से जाना, मौसी को सताना मत। हां ठीक है मम्मी, बाय मम्मी, बाय डैडी। ओके भैया, आगे आपका स्कूल, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं। अरे सुना, तूने ये शर्ट तो पहना दी, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है, मेरे साथ काम करने वाले क्या सोचेंगे? आप भी ना भैया। बात तो खुशी की है, आज तक इस किस्म की शर्ट मैंने पहनी नहीं कभी। लेट हो रहा, मैं जा रहा हूं। अरे रुक रुक, ये ले तेरा पॉकेट मनी। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, ले ले। थैंक्स भैया। खाना ऐसा होना चाहिए कि सारे लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं, समझ गए ना? क्या हुआ मोड़िया जी, अब तक कॉलेज नहीं गए तुम? मैम साहब अब तक आई नहीं है। इतनी देर तक ऊपर क्या कर रही है? अंजलि मैडम, रूम साफ करना है। कहाँ चली गई है? मालकिन मालकिन ये देखिए। माँ, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। अंजलि। भवानी!
काट दिया फोन उसने। वो जरूर अपने आशिक के साथ भागी होगी। ए! जी मैडम। ढूंढो कहाँ है वो दोनों। ए, चलो रे, चलो, 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 बैठो और मुझे फॉलो करो। चलो चलो जल्दी जल्दी। मुझे अंजलि जिंदा चाहिए और उस लड़के की लाश। मैं उतारती हूँ आशिकी का भूत। एक्सक्यूज मी, मुझे बस डिपो तक जाना है। कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा, क्या आप मुझे वहां तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? हाँ, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, बैठ जाओ। थैंक यू। वो देखो, अपने आशिक के साथ भाग रही है। ये वही लड़का होगा जो अंजलि को प्यार करता है। सुनो, वो शहर से बाहर भाग रहा है, जल्दी से और आदमियों को भेजो। तेज चला, अबे तेज चलाना। गाड़ी घुमाओ, आगे से निकालो, उसे छोड़ना नहीं है। क्या हुआ बे? उस तरफ गए भाई। गाड़ी उस तरफ लेके चल। हे भगवान, मुझे तरक्की देना, जिंदगी में ऊपर पहुंचाना, आगे बढ़ाना। भाई टायर पंचर हो गया। अरे टायर छोड़, मुझे उतार। उसे नहीं छोड़ना है, भगाओ गाड़ी। रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ ठीक है, चलो। लाइसेंस, आरसी बुक, इंश्योरेंस दिखाओ। हमें बहुत अर्जेंट काम है, जाने दीजिए। ये सब कहानी मत बताओ। अगर तुम्हारे पास पेपर्स हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम जैसे चूना लगाने वाले हमें रोज मिलते हैं। उतरो गाड़ी से। और उलझन जी, जानो दो इस बाइक वाले को। बात समझ में नहीं आई क्या? आप लोग जा सकते हैं। अरे सर, पहचान लिया ना। भगा गाड़ी, वो निकलने वाला है। और तेज चला गाड़ी। देखा ना, बीएससी कॉलेज का चेयरमैन हूँ सर, जानते मुझे। सर थैंक यू सर। ओके ओके ठीक है, संभाल कर जाइएगा। चेयरमैन है तो क्या हुआ? बाइक पर जो लड़की बैठी है ना, वो मैडम जी की बेटी है, जानते हो? अगर मैडम जी को पता चलता कि हम लोगों ने बाइक रोकी है तो हमारी क्या हालत होती, जानते हो तुम? सर सर सर, हमने बेबी को जानबूझकर नहीं रोका था सर, हमसे गलती हो गई। मैंने जैसे ही देखा उन्हें तुरंत जाने दिया सर। अच्छा, तो तुमने उसे जाने दिया? सर। अरे बाप रे। अरे गाड़ी भगा और तेज चला। अबे तो नहीं, गाड़ी को यहाँ क्यों रोक दिया? इतना धुआं है कि कुछ दिखाई नहीं दिया भाई। फिकर मत कीजिए भाई, मैंने नंबर नोट कर लिया है। ठीक है, यही छोड़ना था ना तुम्हें? हाँ, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। फूलों का ताजा ताजा फूलों का गजरा ले लो। ए भैया, बोहनी करा दो ना। नहीं नहीं चाहिए। ले लो ना भैया, मेरा बच्चा सुबह से भूखा है, इसके लिए खाने को लेना है मुझे। ले लो ना, तुम्हारा भला होगा। फूल तो लिया ही नहीं। मिला क्या उसका एड्रेस मिला क्या? जल्दी करो। तुम्हें गाड़ी का नंबर देकर 5 मिनट हो चुके हैं और सिर्फ एक ही बटन दबाए जा रहे हो। तो 2 मिनट। उसका नाम और एड्रेस मुझे अभी चाहिए, जल्दी करो भाई। इधर ना। बोलो दीदी, वो दोनों अब तक मिले या नहीं? थोड़ा सा चूक है दीदी, लेकिन उसकी गाड़ी का नंबर है मेरे पास, 5 मिनट में पता चल जाएगा। मैं एड्रेस लेकर अभी आता हूँ दीदी। मिला क्या? जल्दी करो। तरुण, नंबर 7, चौथी गली, हाउस नंबर 408। सब तोड़ दो, ढूंढो उसे। ए, वो मिला या नहीं? क्या करो तुम लोग? मम्मी। कौन तुम लोग और ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिससे मेरी शादी होनी थी उस लड़की को तेरा बेटा भगा कर ले गया है। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो अंदर नहीं है। तुझे पता है वो कहाँ गया है? नहीं नहीं।
मुझे पता है? नहीं पता। छे। एक बंदा कम है, कौन है? कौन है ये? तेरा बेटा है ये? जी हाँ। कहाँ गया ये? वो टूर पर गए। यहाँ भी कोई नहीं है भाई। आएगा, वो ढूंढते हुए आएगा, उसे आना पड़ेगा। छोड़ो उसे, छोड़ो। मैं अपने बेटे से कहना हमारे घर की बेटी को लौटाकर इसे ले जाए, समझा? ये सब कैसे हुआ? उस गुंडे ने किया ये सब, जिसकी होने वाली बीबी को तू बाइक पे उठा ले गया। उसने कहा उसकी होने वाली बीबी को तू वापस कर और अपनी बहन को ले जा। वो तेरी बहन को उठा कर ले गया। ए, उठा। हमारी अंजलि मैडम कहाँ है? कौन है अंजलि? किधर रखा है मेरी बहन को? ए, कौन है जो मेरे घर पर आया था? किसमें इतनी हिम्मत जिसने मेरी बहन को उठा लिया? कहाँ है मेरी बहन? वो जहाँ भी है सही सलामत है, इसे कह दे भवानी। छोटे, लगता है अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। सबूत दूं क्या? ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, बैठ जा, बैठकर बात करते हैं। अंजलि कहाँ है? अंजलि? कौन अंजलि? ए, अंजलि मेरी बेटी है। भवानी। दीदी। पहले फोन लगा और इसकी बात करवा, इसकी प्यारी बहन से। ए बुढ़िया, चल जल्दी से लड़की को फोन दे, तेरा भाई यहाँ आया है, ले बात कर। हेलो भैया, ये कौन सी जगह है मुझे पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। देख छोटे, तेरी बहन मेरे पास बिल्कुल सेफ है। अगर अंजलि लौट कर नहीं आई तो तेरी बहन का मैं वो हाल करूंगा जिसे देखकर तेरी आने वाली पुश्तें भी कांप उठेंगी। पूजा के वक्त ऐसी बातें मत किया कर, जब अंजलि यहाँ आएगी तभी इसकी बहन को छोड़ेंगे हम। अंजलि? अंजलि कौन है ये अंजलि? अंजलि जिससे तू प्यार करता है, और उससे शादी मैं कर रहा हूँ और तू उसे भगा कर ले गया। तुम लोग क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अंजलि कौन है, कैसी दिखती है, क्या है, मैं जानता ही नहीं। कुछ नहीं जानते हो और उसे अपनी बाइक पर बिठा कर ले गए। बाइक पर? मैंने बिठाया? ये वो अंजलि थी क्या? उसको ऑटो नहीं मिल रहा था, उसने मुझसे लिफ्ट मांगी तो मैंने बस स्टैंड तक छोड़ दिया। उससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा। अच्छा, तू उसे 24 घंटे में अगर यहाँ लाकर छोड़ेगा तो मैं तेरी बात मान जाऊंगी। चल निकल, अंजलि को लेकर आ। एक मिनट, तेरी बहन मेरे कब्जे में है, ये बात मत भूलना। ओ भैया, पैसे दिए और बिना फूल लिए ही चले गए। मैडम टिकट। सुनो बहन, इधर देखो, ये फूल ले लो ना तुम। हाँ, पर क्यों? जो तुम्हें छोड़ने आया था ना, उसने पैसे दिए और फूल लिए ही नहीं, तो तुम ही ले लो। ले लो ना बहन। याद है वो लड़की कौन सी बस में गई? वेलंकनी जाने वाली बस में बैठी थी वो। किसी अंजलि नाम की लड़की ने यहाँ शादी की है कैसा? इस नाम की किसी लड़की की शादी नहीं हुई है। जरा उनकी फोटो दिखा सकते हैं सर? एक मिनट, देख लो। ओके, थैंक यू सर। कोई बात नहीं। आज इस चर्च में किसी की भी शादी नहीं हुई है बेटा। बात यह है कि अंजलि जो है वो हिंदू है और वो एक क्रिश्चियन लड़के से प्यार करती है, इसलिए मैंने सोचा कि वो। ऐसे मामलों में हम पहले चर्च में अनाउंसमेंट करवाते हैं, उसके बाद ही शादी होती है बेटा। उन लोगों ने कहीं और जाकर शादी की होगी।
घबराओ मत बेटा, जो इंसान नहीं कर सकता वो ऊपर वाला ही कर सकता है। हे रुको, कौन हो तुम? वो छोड़िए, ये लड़की प्यार के चक्कर में घर छोड़कर भाग आई है, इसकी वजह से मैं फंस गया हूँ। ये प्यार के चक्कर में भागकर नहीं आई है, इस बच्ची की शादी इसके घर वाले इसके मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं और इसीलिए ये नन बनना चाहती है। इस पर कोई अन्याय न हो। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है सिस्टर। ए, चलो मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगी, अगर मैं घर गई तो फंस जाऊंगी। डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना, मुझ पर यकीन करो। अब चलो। अंजलि को साथ लाने कहा था ना, फिर तू यहाँ अकेले क्यों आया? अकेले आया हूँ लेकिन काम को अंजाम देके आया हूँ। मेरी बहन तुम्हारे कब्जे में थी तो मैं टेंशन में था, और अब टेंशन लेने की बारी तुम्हारी है, इसलिए ज्यादा उछलो मत वरना टेंशन और बढ़ा दूंगा। चलो आराम से बैठ कर बातें करते हैं। बोल। तुम्हारी अंजलि एकदम सेफ है। हाँ एक मिनट, लो अंजलि से बात करो। अंजलि तू ठीक है ना, कहाँ है तू? भवानी मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू घबरा मत, मैं कुछ भी करके मेरी बहन को सही सलामत घर पहुँचा दो, और फिर जब घर पहुँच कर वो मुझे फोन करेगी तो तुम्हारी प्यारी अंजलि भी तुम्हारे पास आ जाएगी। भवानी छोड़ दे इसकी बहन को, मुझे इसकी ये शर्त मंजूर नहीं है। जो कह रही हूँ वो कर। ये सही किया। हेलो, मैं घर पहुंच गई भैया। फोन पापा को दे। बोल बेटा। छोटी को कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो बिल्कुल ठीक है बेटा। ओके पापा। तो फिर मैं चलता हूँ। ओके? ए? 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 रुक जा, मेरी अंजलि कहाँ है? तेरी नहीं मेरी। क्या तुम्हारा? तुमने कहा कि मैं अंजलि का आशिक हूँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा मैं उसे जानता तक नहीं, फिर भी तुम माने नहीं और कहते गए नहीं नहीं तुम उससे प्यार करते ही हो। तो फिर सुन लो, अंजलि ही मेरा प्यार है, प्यार है, प्यार है, और अब तो मैं उससे शादी करके रहूंगा। तुमसे जो बनता होगा कर लेना। इसे जिंदा मत छोड़ना। जो रहते थे कहाँ गए? क्या हुआ भवानी? उसके घर में ताला लगाया दीदी, यहाँ के लोगों को नहीं पता कि वो कहाँ गए। अब बताओ क्या करें दीदी? कहीं कहीं से भी ढूंढ कर निकालो उन्हें। सालों से ये घर बंद पड़ा था, यहाँ आते ही इसे तुम लोगों ने फिर से सजा दिया। हमारे तरुण ने कहा इसलिए शहर छोड़कर चुपचाप इस बच्ची को लेकर रातों रात यहाँ चले आए, वो भी किसी को बताए बिना। बस मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इसके कहने पर हमने जो कदम उठाया है वो सही है या नहीं।
अंजलि अपने मर्जी से अपना घर छोड़कर आई है। हाँ घर छोड़ के आई है, पर वो भैया के लिए नहीं आई है भाभी। मैंने फैसला कर लिया है। तरुण ने मुसीबत में मेरा बहुत साथ दिया है, इसीलिए दिल से मैं इसे पसंद करने लगी हूँ, और शायद ये भी मुझे पसंद करता है। सच्चे मन को पहचानने के लिए एक मुलाकात ही काफी होती है। अगर मैं इस परिवार का हिस्सा बनूंगी तो मैं खुद को खुशनसीब समझूंगी। अरे रे रे। बेटा तरुण, अगर तूने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है तो वो ये है कि अंजलि को तू अपने साथ ले आया। मेरे बाप धर्म पिता शैतानों के बाप भवानी से डर कर मुझे अपने गांव लौट कर आना पड़ा। प्रभु आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। अरे तू हाँ। तुझे कैसे पता चला मैं यहाँ पल्ली में हूँ? तेरा इतना अच्छा दोस्त जो हूँ, और तेरे लिए गुड न्यूज है। क्या है रहे? अरे मुझे यहाँ पल्ली में गवर्नमेंट जॉब मिला है। पल्ली में तुझे गवर्नमेंट जॉब मिला है? मुझे जहाँ नौकरी मिली है वहाँ लोग बार बार नौकरी छोड़ के जाते रहते हैं, उसी वक्त मैं जरा सा जोर लगा के तुझे वो जॉब दिलवा दूंगा दोस्त। अरे पागल कहीं के, जरा सा जोर क्यों है? पूरा जोर लगा के मुझे यहाँ नौकरी पर लगवा ही दे। पगार कितने मिलेगी? जेब भर के PF ESI पेंशन, और तुझे क्वार्टर्स भी मिलेंगे। मुझे भी क्वार्टर्स मिलेगा? हाँ दोस्त, पक्का मिलेगा ना? एकदम पक्का। रैम्बो, हाँ एक प्लेट चिकन चिली, दो बियर, साथ में चने मूंगफली, और कुछ चाहिए क्या? एक हजूर। चलिए खाली बोतल हटाओ, टेबल साफ कर। छचुंदर जल्दी यहाँ आकर इसकी उल्टी साफ कर। उल्टी साफ? इतनी अच्छी नौकरी मिली है फिर भी तू काम क्यों नहीं कर रहा? हाँ? हाँ? क्या कहा? वो बेवड़ा मुझसे खाली बोतल हटाने के लिए कह रहा है, और यहाँ एक बेवड़े ने उल्टी कर रखी है, और वो मुझसे साफ करने के लिए कह रहा है। गवर्नमेंट जॉब कहकर तू मुझे यहाँ पर लाया, यही है वो जॉब? खैर कोई बात नहीं दोस्त, क्वार्टर्स मिलेगा ऐसा कहा था ना तूने? यही क्वार्टर्स है क्या? बता ना तुम्हारी बर्थ डेट क्या है? क्यों बताओ ना। October 25th, 1992। नक्षत्र वृश्चिक। हेलो सुना ना? हाँ हाँ ठीक है समझ गया, वृश्चिक राशि है। किसका फोन था? भैया का था, पंडित जी के यहाँ बैठे हैं। तुम्हारी डिटेल्स चाहिए थी, शादी का मुहूर्त निकालना है ना? ओह अच्छा, तुम दोनों वेलंकिने से तिरची बाइक से ही आए ना? हाँ तो एक दिन के बाइक के सफर में तुम्हें मेरे भैया से प्यार हो गया? Daddy।
दसों की दसों कौड़ी सीधे गिरी है। लेकिन बुरे ग्रह के प्रकोप के चलते लड़के की कुंडली में जरा सा दोष है, शादी होने तक उथल पुथल चलेगा। उस दोष का निवारण करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए क्या उपाय है? 10 दिन के बाद पूर्णिमा है, उस दिन दोनों को भगवान का संकल्प करके आरती की थाल के साथ परिक्रमा करनी होगी। जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। देवर जी, तुम्हारे भैया कब तक आएंगे? मैंने उन्हें फोन करके बता दिया, वो शादी तक आ जाएंगे। एक बार फोन तो कीजिए, अगर उसका फोन लग जाएगा तो पता चल जाएगा ना कि कहाँ है वो। अगर रिंग भी हुआ तो चलेगा, हम टावर सिग्नल की मदद से अब वो सेल फोन किस एरिया में है, कहाँ है, ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। वही वही तो मैं चाहता हूँ, जल्दी से पता लगाओ। नंबर बताइए। 9094988888। मैं देखती हूँ किसका फोन है। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन? मैं भवानी बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ इस वक्त तू कहाँ है, पलनी में। मैं आ रहा हूँ, अगर सबके सामने तेरे गले में मंगलसूत्र नहीं बांधा ना तो मेरा नाम तरुण नहीं। क्या हुआ, डर गए क्या? हम दोनों पर कोई मुसीबत ना आए इसलिए मैंने दोनों फोन के सिम कार्ड बदल दिए हैं। वो क्या ना, शादी होने तक हम दोनों को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। जाओ 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 ना। सॉरी मैडम, रिंग नहीं हो रहा है। क्यों, फोन स्विच ऑफ है क्या? स्विच ऑफ होता तो पता चल जाता मैडम, वो बहुत चालाक है, मेरे हिसाब से उसने सिम कार्ड निकाल कर फेंक दिया। वो चालाक नहीं है, धोखेबाज है। दूसरा कोई तरीका है तो बताओ, जल्दी करो। नहीं मैडम, कोई चांस नहीं है। कैसे पुलिस वाले हो तुम, कुछ नहीं कर पा रहे हो? आपकी बेटी की एक फोटो मिल जाती तो। पोस्टर लगाओगे तुम? मेरे घर की इज्जत को सड़क पर लाओगे क्या? वैसे तो फोटो लेकर करेगा क्या? सारे पुलिस स्टेशन में फोटो भिजवा। फोटो तुझे मिल जाएगा, तू उसे ढूंढ कर निकाल। हमारी बच्ची का फोटो नहीं दीदी, जो उसे भगा कर ले गया है उसका फोटो। अगर वो मिल गया समझो अंजलि मिल गई। हे, मुझे 1 घंटे के अंदर उसका फोटो चाहिए। तिरछी से ट्रांसफर होकर सीधे यहाँ SP बनकर आए हो, ये देखकर मुझे खुशी हो रही है यार। तू इतने दिन बाद मिला, मैं भी बहुत खुश हूँ। पहले हम दोनों दिवाली में फोन पर बात करते थे और तू अचानक गायब हो गया। अच्छा, मैंने सुना तेरी बेटी की शादी तय हो गई है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। अरे उसका कॉलेज तो पूरा हो जाने देता, इतनी क्या जल्दी थी। तू भी ना यार, छोड़ जाने दे, ये तेरी मर्जी है। क्या हुआ भाई, तेरा मूड खराब हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है यार, मैं चलता हूँ। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। सर, ये लड़का तिरछी वाली मैडम की बेटी को भगा कर ले गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो आई है सर, इसे ढूंढने के लिए। कमिश्नर साहब का ऑर्डर है कि इसे जल्दी से ढूंढा जाए। ठीक है सबको दे दो। ओके सर। मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। मेरे पिताजी के जमाने से इस घर में हमेशा खुशी के मौके पर कपड़े आते हैं, तो इन्हीं के यहाँ से। नमस्ते भैया। खास मौके के लिए कपड़े ले रहे हैं तो टेस्ट तो करेंगे ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं करो। लाइटर लाइटर। ओके, एकदम ओरिजिनल सिल्क है। ये कैसा टेस्ट है? सिल्क, चमड़ी, नायलॉन, सिर का बाल जलने पर मोम की तरह पिघलते हैं और खुशबू जले हुए बाल की आती है। ये टेस्ट तो ओके है, अब जरा इस जरी का भी टेस्ट करके देख लेता हूँ। कर ले, कर ले। ओके, ये भी ओरिजिनल जरी है। कैसे पता? वो क्या ना पापा, ओरिजिनल नहीं होती तो खरोचने पर धागे निकल आते हैं। हम औरतों को ये सब नहीं पता, और तुम्हें कैसे पता? अब शादी हो रही है तो अपनी पत्नी के लिए इतना जानना तो बनता ही है। तूने बच्ची के लिए शादी का जोड़ा सिलेक्ट किया? ला तो, हम सब ने ये जोड़ा तेरी शादी के लिए पसंद किया है। ओके ना? आपके लिए ओके तो मेरे लिए भी ओके। ए, तू ये उससे पूछने के बाद हमें बता रहा है? ऐसा नहीं है। अरे ले दे के छोड़ दो ना, काहे के लिए सब। तो एक बार में समझ में नहीं आती क्या? एक नया इंस्पेक्टर आया है, सत्या नाम है उसका, कह रहा है कि सारे केस मैं ही देखूंगा। आ गया।
कौन है ये सब? ये लोग रेड लाइट एरिया में धंधा करती हैं सर। इनके साथ वाले कहाँ हैं? ये अरे साहब ने उनसे चैन अंगूठी पैसा वैसा लेके सब छोड़ दिया। चुप रह। साहब ने तुझसे पूछा क्या? रुको, तुम लोग जाओ जाओ। चल रे, इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर से धंधा करेंगे? हाँ, सर इन्हें ले जाकर कोर्ट में खड़ा करके अपना फोटो पेपर में छपवाओगे तो तुम्हारा नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा ना। उनकी भी कोई मजबूरी होगी, शौक से नहीं करते सर। एसपी साहब ने एक लड़के की फोटो भेजी है, आप देख लीजिए। मर्डर हुआ क्या? नहीं सर, यह तिरछी की एक वीआईपी औरत की बेटी को भगा कर ले गया है, इसे ढूंढना है सर। अरे ये आप इसे जानते हैं क्या? जानता हूँ इसे, दिन निकल के एसपी पांडे जी है ना, वो तिरछी में जब एसीपी थे तब उनकी लड़की को भगाकर इसने उसकी शादी उसके आशिक से करा दी। ठीक है, ये पलनी में कहाँ छिपा है इसका पता लगाओ। अरे वो बेचारा वॉचमैन, उसे क्यों मार रहे हो? अंजलि, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ, बोलो ना क्या चाहिए। मुझे वो पैसे चाहिए। पैसा दे वरना इसका गला काट दूंगा। इधर नहीं उधर। ए चल पैसे दे। अरे तू तो वो दुकान वाला ना? ए वो मेरा भाई है। ओ जुड़वाओ। हाँ हाँ जुड़वाइए। ए फूंक मारेगा तो मैं उड़ जाऊंगा क्या? चिकनी तुझे क्या हुआ? ओ तू मुझसे फाइट करना चाहता है। बॉयज सब लोग तैयार हो जाओ खुशबू लगाकर कुंफू करने के लिए, लेकिन पहले मैं इसे मारूंगा। स्टार्ट कैमरा, ये देख। अरे मिस हो गया यार। आया मेरे को धोया और बाइक पर बैठकर चला गया। मेरे को तो और भी फाइट करने का मूड था यार। क्या है बे, आप किसने एंट्री मारी होगी? पिक्चर में कोई इंटरवल नहीं है क्या? पुलिस क्या रे ब्रिटो, तुमने तो कहा था कि पल्ली में कोई गुंडे नहीं है। राउंड अप करके देखो, पता चलेगा। सॉरी सर। ए इधर आ। आपको मुझ पर शक है क्या? थैंक्स। एटीएम में क्या हुआ था? सब बताता हूँ साहब। सर सोचो कि आप एटीएम में पैसा निकालने आए हो। अरे एक्टिंग सर, आप जरा इधर आइएगा। सर आप ये समझिए कि ये आपका बॉयफ्रेंड है। ए, अरे कुछ देर के लिए समझ लीजिए, रुकिए मैं दिखाता हूँ। मुझे एक छुरी की जरूरत होगी, समझो ये वो छुरी है। लड़का पैसा निकालता है और मैं कूद कर जाके छुरी रख देता हूँ। अगर आज मैं अंदर गया तो पता नहीं कितने दिन अंदर सड़ूंगा। वैसे ये मुच्छड़ सिंगम का भाई चिंगम लगता है। hey! कोई अपनी जगह से हिला तो मैं इसे हिला कर रख दूंगा। मालिक सब अचानक कैसे बता दे? वेरी गुड, बहुत दिनों से मार नहीं खाई थी, इसी बहाने आज कसरत हो गई। सर ये तो वही लड़का जिसने एटीएम के बाहर मुझे मारा था, पर इसकी फोटो वांटेड लिस्ट में क्यों छपी है? बेटो ये पलनी में क्या कर रहा है और इसकी फोटो यहाँ क्यों लगी है? आप ही ने तो लगाने को कहा था, ये फिर एक लड़की को लेकर भाग गया है, आपने देखा नहीं था क्या? कोई बात नहीं, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, इस बार नहीं बचेगा। बेटा जरा हेल्प करोगे, मुझसे नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है? मुझे दो, लगाने से पहले इतना हिल क्यों रहे हो? हा? बस हो गया। अरे अरे ये क्या हो रहा है? आखिरी वक्त में घर वाले पानी पिलाते हैं उसी तरह तुम्हें पिलाना पड़ रहा है। इस उम्र में भी तुम्हें इसकी जरूरत है क्या? तुम्हारा मुंह लॉक है। इधर आ, निकल लो, मैं अभी जल्दी आ रहे। जी सर, तू यहाँ का वेटर है? जी हाँ। मैं अब तक दो क्वार्टर पी चुका हूँ, मुझे जरा भी नहीं चढ़ी। वो क्या है, तुम लोगों ने क्या समझ रखा है? पी, अब तू पी, जल्दी पी, ले इसे पी के देख, चल पी, अबे पूरा पीना।
कैसा लगा? इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। अच्छा है? ये तो खराब है, खराब। इससे पता चलता है कि तुम लोग डुप्लीकेट माल बेच रहे हो, हम लोग उल्लू बना रहे हो तुम लोग। मुझे पता नहीं था सर। हाँ बोलिए सर। नया आया है क्या? जी। चल फटाफट ओपन कर। अभी ओपन करता हूँ सर। बाप रे, इसके टकले पर तो आराम से एक हेलीकॉप्टर लैंड हो सकता है। अरे कदे बाल नहीं, तुझे बॉटल ओपन करने के लिए कहा था। चल पी जा। पता क्या है सर? ब्रांडी है, बहुत अच्छी है। अबे ये ब्रांडी नहीं है, रम है। अरे बाप रे। सर जो भी बोलना है आहिस्ता बोलिए। जरा इधर तो आ। सर धीरे से बोलूंगा तो समझ आएगा। जी सर। हाँ, ये जिन ले पी के बता के ये ओरिजिनल है के नहीं। ओके सर। हाँ? इस ग्लास में जिन नहीं है, वोडका है। ये क्या? वोडका। समझ गया। सारा माल डुप्लीकेट है, अलग अलग नाम से बेच रहे तुम लोग। मैं भी आता हूँ। ए बेवड़ों की औलादो, यहाँ शराफत से बिठा कर तुम लोगों को हम इज्जत से शराब पिला रहे हैं, तो उसे पीकर जो मुंह में बकते जाओगे, गिलास में डाल के पिलाओ, साथ में 10 बात भी सुनो। गवर्नमेंट की नौकरी में इतना नहीं चिल्ला सकते? अबे गवर्नमेंट के जॉब करने वाले चमचे, इधर आ जा। बताइए क्या है? बियर है। तुझे पता है इसे ठंडा करके पिया जाता है? हाँ? तू इसे और ठंडा करने के लिए अलग से कस्टमर से कितना पैसा लेता है? 20 रुपया। तेरे बाप का माल है जो ज्यादा लेता है। चोर कहेंगे, इधर ला। अब बताइए क्या है? क्या है ये? ग्लास। कांच का होता तो इसकी कीमत होती, कंपनी फ्री में देती और तू इसे बेचता है। ये बता इस गिलास का बार क्या रेट है? 1 रुपया। और तेरा? 5 रुपया। पाँच दांत तोड़ू। जोर कहीं का। ये क्या है बे? पानी का पैकेट है। मुझे उल्लू समझा है तूने? पानी, ठंडे पानी का पाउच कितने में बेचता है? 25 रुपए में। और बार? वो बेचारा 10 रुपए में बेचता है, उसे धंधा का करने आता है? धंधा करने नहीं आता। ये ले। ए सुनो, यहाँ पूछने वाला कोई है कि नहीं? ड्रामा इतना अच्छा करते हो, माल पूरा डुप्लीकेट बेचते। अबे लाल टपकाते खुजली वाले कुत्ते, यहाँ थूका क्यों? तेरे बाप का घर है? पता है ना ये बार है, खुद के घर में थूकने का। तेरी बीवी बेलन लेकर तेरे मुंह में नहीं घुसड़ती? तुम जैसे नालायक ऐसी नीच हरकत करते हो, इसलिए बार मालिक हर चीज का रेट बढ़ाता है मेंटेनेंस। अरे शोर क्यों मचा रहे हो? यहाँ का मालिक हूँ मैं। सर नमस्ते सर। अरे भाई क्या है ये? खोल ले, ये जरा कुछ करो ना इसको। भाई ना खोलो ना पियो, ऐसे ही रहने दो, शराब सेहत के लिए बुरी है। इतनी बकवास कैसे कर लेते हो? मुँह से पगार भी नहीं दूंगा और काम से निकालूंगा। अच्छा तो इसे ऐसे ले और खोल। मैंने तो लोगों को समझाने के लिए ऐसा किया और तेरी नौकरी चली गई। अच्छी खासी गवर्नमेंट की नौकरी चली गई। हाँ गुस्सा थूको, बाहर आने दो अनल, बाहर आने दो, आने दो। मतलब तू मुझे छोड़ के जा रहा है अर्नोल्ड? सॉरी रैम्बो। बोलिए क्या लेंगे? हम खाने पीने नहीं आए हैं, हम उस लड़के से अपनी लड़की को वापस लेने आए हैं। कहाँ है वो लड़का? वो लड़का पलनी में ही है, लेकिन किस एरिया में है ये नहीं पता। ये मेरे घर की इज्जत का सवाल है। टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को यहाँ बुलाने के लिए मेरे ऑर्डर्स थे। एसपी साहब, चाहे जितना भी खर्चा हो जाए, हमें वो लड़का चाहिए। सिर्फ तुम लोग को नहीं, मुझे भी चाहिए। जब भी मिलेगा उसे चिता पर लेटाकर पुराना कर्ज चुकाना है। जब तक नहीं मिलेगा हम घर वापस नहीं जाएंगे। दीदी ये पुलिस वालों के लिए केस है, हमारे लिए हमारी इज्जत की बात है, अब बताओ क्या करें? हम चाहे तो उसे एक ही दिन में ढूंढ कर निकाल सकते हैं। वो कैसे? मुझे उस जगह का पूरा नक्शा चाहिए, पता लगा कि वहाँ पर कितनी बस्तियाँ हैं, उसका फोटो देकर हमारे आदमियों को काम पर लगा दे। जो भी उसे ढूंढेगा हम उसे 2 लाख रुपया देंगे। देखना 24 घंटे के अंदर वो मेरे सामने होगा, समझा? लगता है सब सो गए, काम पर लगता हूँ। कंपनी देने के लिए मुझे क्यों नहीं बुलाया? कोई बात नहीं, मैं भी पीऊंगी। अरे ये तो सिर्फ पानी है, तुम सोडा नहीं लाए क्या? ए, तो तुम भी लेती हो क्या? एकदम परफेक्ट पैक बना है। ए, ये क्या कर रही हो? हाँ, पीने से पहले ऐसा करना जरूरी है, पता नहीं है। मेरे भी बाप है। अच्छा सर। अरे रे, ऐसा करते हैं क्या? लाओ इधर दो। ए, क्या कर रही हो तुम? जान ले लूंगी समझे,
दोबारा कभी पीने के बारे में सोचना भी मत। मैं अपने दिल के सुकून के लिए पीता हूँ। तुम मुझे पीने से रोकोगी तो मैं दूसरी ढूंढ लूंगा। ढूंढ कर दिखाऊं, काट कर रख दूंगी उसे। हिम्मत है क्या? तुझ में है क्या? मेरा मस्ती मुझको है चले। मैं तेरी 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 होने लगी, ऐसी मस्ती मुझे भी चले। अरे मैं नहीं 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 छोड़ूंगा रंग, मेरा मस्ती मुझको है चले। मैं तेरी 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 होने लगी, ऐसी मस्ती मुझे भी चले। अकड़ तुझको तेरी खूबसूरती की, इस अकड़ ने मेरी भी जान ले ली। छोड़ू अकड़ मेरे सनम भाया, मुझे तेरी तू बड़ा 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 अकड़ वाला। तू बड़ी 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 अकड़ वाली। टमाटर कैसे दिए? 40 रुपया। 1 किलो दे दो। मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा इसे, कहीं मिल ही नहीं रहा। पता नहीं आखिर कहां चला गया ये। एक बार ये हाथ लग जाए बस खत्म कर दूंगा इसे। चलो जल्दी। ए अंजलि क्या कर रही हो, आम तो लेने दो। वो सब भवानी के आदमी थे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी, अब क्या होगा? डर मत, उन्होंने तुझे देखा तो नहीं ना। फिर क्यों डर रही हो, आराम से रहो। तुम इस बारे में घर में किसी को भी मत बताना, वरना माँ और बाबूजी घबरा जाएंगे। ठीक है,
ऐ सुन, इसे देखा क्या? नहीं नहीं देखा। उस मोड़िया ने तो सालों से हमारा जीना हराम कर रखा है। ये तो वही है जिन्हें हमने धोया था। लगता है वो दोनों भवानी के आदमी हैं। हाँ वही है। वो हाथ में फोटो लेकर किसी ढूंढ रहे हैं। उनके हाथ में तेरी फोटो हो सकती है अर्नोल्ड। मुझे लगता है वो तेरे से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं अर्नोल्ड। हाँ। हो सकता है उन दोनों ने इसे देखा हो। ये फोटो उन दोनों को दिखाकर पूछते हैं। ए इधर आओ। ए, लगता है उन्होंने हमें देख लिया। तू उस तरफ भाग, मैं इस तरफ भागता हूं। ए रुक रुक, भागता किधर है? रुक, ए रुक रुक, भागता किधर है? ए रुक, पकड़ो इसे, पकड़ो, फांदने न पाए। सुनिए स्वामी जी। कौन? नमस्ते स्वामी जी। ओम, तेरा सत्यानाश हो। क्या कहा? मतलब बुराई का सत्यानाश हो। इधर कोई भाग कर आया था क्या? पंडित जी, पीला ड्रेस पहनकर कोई भाग कर आया था क्या? चल यहाँ से, उसे जाकर कहीं और ढूंढते हैं। ऊपर वाले, मैं कितना अच्छा उल्लू बनाता हूँ। एक बात बताइए, मेरा रैम्बो कहाँ भटक रहा है प्रभु? रैम्बो, ये तेरा कौन सा अवतार है? अर्नोल्ड, अब तो मैं एक स्वामी बन गया हूँ और मैंने अपना नाम रखा है टावल स्वामी। टावल स्वामी है टावल ओके, लेकिन ये कौन है प्यारे? हर बॉस को असिस्टेंट चाहिए, तो मैंने इसे अपना असिस्टेंट बना लिया। असिस्टेंट चाहिए? मेरी एक आवाज पर असिस्टेंट कमिश्नर आ जाएंगे, देखना है। पुलिस, पुलिस, चलो चलो चलो। अरे ये क्या, सोचा लड़की छोड़कर भागेगा, ये तो लेकर चला गया। चलो लास्ट स्टॉप आ गया, लास्ट स्टॉप आ गया। ऑटो खाली है भैया? गैस नहीं है। अरे बहू, अभी तक सोई नहीं? नहीं बाबूजी, अम्मू के पापा ने कहा था कि आज वो आएंगे, पर वो अब तक नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्यों बे, छोटे भाई से मिलने आया है? तुम कौन हो? मैं हूँ भवानी, तेरा भाई हमारी लड़की को भगा कर ले गया है। पलड़ी में कहाँ ठहरा है तेरा भाई? मुझे नहीं पता। ए झूठे, टूर से लौटने के बाद अपने शहर जाने की बजाय यहाँ पलड़ी में क्या करने आया है? पकड़ो उसे। तेरा भाई अभी तक नहीं आया, देख कितनी परेशान है। जा जल्दी से बस डिपो तक देख कर आ। ठीक है पापा। आदमी जब घर से बाहर जाता है तो आने में थोड़ी देर हो ही जाती है, इतनी फिक्र मत कर, तू हार्ट पेशेंट है। हाँ भाभी, बेकार में टेंशन मत लो, मैं भैया को अपने साथ लेकर ही लौटूंगा। चल बेटा, तू सो जा। ए, रुक! वो इसी तरफ आया है, चारों तरफ ढूंढो उसे, यहीं कहीं छिपा होगा। ठीक है भाई, जल्दी करो। ठीक है चलो। हे, वो देखो, वो रहा। हे, पकड़ो उसे। तेरा छोटा भाई कहाँ है? नहीं बताऊंगा। अच्छा मत बता, लेकिन तेरे मरने पर तो आएगा। भैया, भैया बैठिए बैठिए, मुझे कस के पकड़िए। कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। आपके भाई को बहुत गहरी चोट आई है, उनकी हालत थोड़ी नाजुक है। हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन उन्हें 2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा।
वो मेरे भैया ये बात तुमने कहा था वो मिनिस्टर के यहाँ काम करते हैं तो हमने पुलिस को फोन नहीं किया। कल सुबह हॉस्पिटल का बिल भर देना। ओके थैंक यू। भैया नहीं आए। मैंने उनसे पूछा तो बोले 2-3 दिन और लग जाएंगे। लेकिन मैंने फोन किया उन्होंने उठाया नहीं। अरे भाभी मेरी उनसे बात थोड़ी ना हुई, मेरी बात तो उनके दोस्त अभिषेक से हुई। वो आजकल काम बहुत ज्यादा है ना इसलिए वो थोड़े ज्यादा बिजी रहते हैं। काम खत्म होते ही वो जल्द से जल्द आ जाएंगे। ठीक है तो अभी आप सो जाइए। साथ इतना कुछ हुआ और मैं भाभी को भी नहीं बता पाया। मैं नहीं चाहता कि उनके दिल को धक्का लगे। भैया आप जल्दी ठीक हो जाइए, जल्दी घर आ जाइए भैया, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। लगता है घंटी लगाना भूल गए। आवाज देता हूँ। मालिक मालिक। कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? मैं जमीन थोड़ी मांगने आया हूँ, भूख लगी है, खाने को दे दीजिए। भीख मांग कर खाते हो, शर्म नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। जाओ यहाँ से, हाथ पैर सलामत है ना, मेहनत करके खाओ। एडवाइस के लिए शुक्रिया मालिक। ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भीख मांग कर खाने वाले। मालिक अब क्या है? इधर आइए। बोलो क्या हुआ? आप क्या काम करते हैं? मेरा खुद का अपना बिजनेस है, इसे तुम्हें क्या लेना देना? वो देखो टीवी कहाँ से लिया? सरकार ने गरीब कोटे से दिया है। और वो मिक्सर? वो भी सरकारी गरीब कोटे से है। और वो गैस का चूल्हा? वो भी सरकारी गरीब कोटे से है। वो साइकिल, वो लैपटॉप, वो टेबल फैन, वो राशन सब गवर्नमेंट कोटे से मिला है ना? सब गवर्नमेंट कोटे से मिला है, तुम्हें क्या है? अरे पापी बता, तू भिखारी है कि मैं भिखारी हूँ? चुप रे। ये सब गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को सरकार अपनी तरफ से ये चीजें मुफ्त में देती है। ये सब कुछ उन्हें मिले बिना तुम जैसे लोग अपने आप को भिखारी बताकर अंदर ही अंदर सब कुछ निकल जाते हो। अरे हम जैसे गरीब लाचार लोग तो मजबूरी में भीख मांगते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग तो हम जैसे लोगों से भी गए गुजरे भिखारी हो। ये कहाँ का इंसाफ है? तू बहुत बोल रहा है, जा यहाँ से। भिखारी होकर जबान चलाता है। अरे पापी तू दूसरों को फेंक के मारता है, वो भी सरकारी राशन से। कल रात को दोढ़ाई के बीच में डॉक्टर, और इसकी उम्र होगी कुछ 30-32 साल की। हाँ, मैंने उसे चाकू मारा था वो भी बता। उस पर चाकू से वार हुआ है, वो घायल है। जी हाँ डॉक्टर, हाँ डॉक्टर, यस ओके डॉक्टर, थैंक यू। क्या बोल रहा है वो? जीएच के चीफ डॉक्टर से मैंने पूछा, इमरजेंसी में ऐसा कोई पेशेंट एडमिट नहीं हुआ है। ए मुच्छड़, हाँ? फोन में घुसकर क्या पता कर रहा है तू? मैडम हमारे जिले के सारे पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी करके देख लिया, कनकपुरी, मायापुरी, शिवनगर, जमालपुर, आनंद नगर और सभी छोटे स्टेशन में भी पूछ लिया, किसी भी बड़े या छोटे हॉस्पिटल में ऐसा केस आया ही नहीं है मैडम। बोलिए। तेरा ये पूरा पुलिस डिपार्टमेंट निकम्मा है, वो लड़का यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, बस बहाने बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हुआ। सवाल ही नहीं उठता, वो 10 किलोमीटर के अंदर कहीं ना कहीं अपना इलाज जरूर करा रहा होगा। इस शहर में जितने भी हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम है, वहाँ का चप्पा चप्पा छान मारो, वो कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा एसपी साहब। ओके मैडम, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए और मैं ड्यूटी निभाता हूँ। मैं 7 हॉस्पिटल देख चुकी हूँ, वो यहाँ नहीं है, तुझे कुछ पता चला? छोटे से छोटा हॉस्पिटल भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसे ढूंढ निकालूंगा। दीदी ढूंढ ढूंढ जल्दी कर। यहाँ कोई नया पेशेंट एडमिट हुआ सर? है सुनो तुम उधर देखो और तुम उधर देखो।
तुम 5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। क्या हुआ ब्रिटो? मैंने यहाँ देख लिया सर, चलिए चलते हैं। इस आईसीयू में चेक किया? यहाँ तो कोई भी नहीं है सर। तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? बात क्या है? मैंने कहा ना, मैंने देख लिया सर। चलो हटो वहाँ से। बहुत अच्छे। देखो ब्रिटो, झूठ कभी छुपता नहीं। तुम यही रुको। सर सर, ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, कीप क्वाइट। संभाल के पकड़ना चाहिए, सिंदूर का गिरना अच्छा नहीं होता। हाथ से फिसल कर गिर गया, जानबूझकर थोड़ी ना गिराया। सर, अरे ये मत खाइए, इसे खाने से चेहरे पर पिंपल्स आते हैं। भजिया नहीं खाया तो पेट में अल्सर हो जाएगा। तुम लोग शौक से भजिया खाते और मेरी जिंदगी भजिया हो गई है। जाओ बच्ची, मेरे जैसे भिखारी के लिए ये भजिया ही सब कुछ है। अब प्यास बुझाने के लिए पता नहीं कोई क्या पिलाएगा। माँ के दर्शन के लिए कोई मंदिर नहीं, बाप कहने के लिए कोई देवता नहीं, बाबूजी भिक्षा दो। क्या रे बुढ़ाओ, ये क्या पुराना गाना गा के भीख मांग रहा है? अगर भीख ही मांगनी है तो आजकल का स्टाइल ये। आपने दोनों हाथ शर्ट के अंदर क्यों छुपाए हैं? अबे एक बड़े लफड़े में दोनों हाथ निकल गए अपने, अब कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ और तू मेरे सामने अपने दोनों हाथ उछाल उछाल के नाच रहा है, मजाक उड़ा रहा है। निकल जा वरना चाकू घोंप दूंगा। तुम्हारे दोनों हाथ माइनस हो चुके हैं तो फिर तुम मुझे चाकू कैसे मारोगे? अभी दिखाता हूँ। अरे बापरे, हाथ से करने वाले काम तुम तो मुँह से ही कर लेते हो मुच्छड़। सर, हॉस्पिटल में तरुण के भाई के साथ आपने क्या किया? वहां उसकी मैं जान लेने ही गया था। मुझे कुछ कहना है। मैं आपसे ही मिलना चाह रहा था। जब मैं दिल्ली टूर पे गया था वहां मुझे आपकी आपकी बेटी मिली थी। कहा ये चिट्ठी आप तक पहुंचा दूं। आपकी बच्ची उस आदमी के साथ बहुत खुश है जिससे मेरे भाई ने उसकी शादी करवाई। नमस्ते पापा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पति एक इंजीनियर है, वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते हैं। और आपने जो मेरे लिए लड़का देखा था वो इस वक्त जेल में है, आप पेपर में देख सकते हैं। उसके साथ मेरी शादी होती तो क्या होता? मैं ये नहीं कहती कि आपने मेरे साथ कुछ गलत किया, लेकिन मैंने जो किया वो सही है या गलत इसके बारे में सोचिए। आज अगर मेरी बेटी खुश है तो उसकी वजह है तरुण। पैसा भी सुख देता है और पदवी भी सर, लेकिन सबसे बढ़कर अपनों की खुशी होती है। सर अब तो आप संतुष्ट होंगे ना? लेकिन सर, तरुण के बड़े भाई को ढूंढने के लिए वो लोग जमीन आसमान एक कर रहे हैं, उन्हें क्या जवाब दें? उन्हें ढूंढते रहने दो, हम उन्हें झूठ बोल देंगे। किसी भी तरह तरुण और उसके भाई को ढूंढने का काम हमें रोकना पड़ेगा। क्या कहा? उन दोनों को ढूंढने का काम रोकना पड़ेगा? ये कोई गलत कदम ना उठाए इसलिए मैं। ये क्या बकवास कर रहा है? क्या है ना, कल देवी पूर्णिमा है, लाखों की संख्या में लोग होंगे, बंदोबस्त के लिए पुलिस कम है। देवी पूर्णिमा खत्म होते ही हम उन्हें ढूंढ लेंगे, ऐसा सर कह रहे हैं। बात को समझिए मैडम, सिर्फ तरुण को ढूंढने का काम ही नहीं, मुझे ऑफिस में और भी बहुत सारे काम है, मुझे जाना ही होगा। और आप बुरा मत मानिएगा, उसने जो किया वो सही है। आप भी माँ के नजरिए से देखेंगी तो आपको सब सही लगेगा, यकीन कीजिए। सोचिए आपने जो लड़का उसके लिए चुना है, अगर वो लड़का उसके लिए सही नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो आप अपने आप को माफ कैसे करेंगे? बस कर बे।
मैंने उसे ढूंढने को कहा था और तू मुझे ये फालतू भाषण दे रहा है। मुझे मेरी बेटी चाहिए और उसे कैसे ढूंढ निकाला है ये मैं जानती हूँ। एक अच्छी न्यूज लेकर आया हूँ। आपकी बेटी की शादी अभी तक नहीं हुई लेकिन 3 दिन के बाद हो जाएगी। तुझे कैसे पता चला? आपने कहा था कि पलनी के हॉस्पिटल को छोड़कर कहीं भी ढूंढो लेकिन मैंने सारे पंडितों को बुलाकर पूछताछ की। पंडित से? एक शादी कराने के लिए पंडित चाहिए ना, अगर मंगनी करानी हो तो भी पंडित चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है ना। ये वही लड़का है ना जिसकी आप शादी करा रहे हैं? जी हाँ सर, देव पूर्णिमा के दिन हाथ में आरती की थाल लेकर भगवान की परिक्रमा करने के लिए मैंने ही इन दोनों को कहा था। उसका एड्रेस क्या है? देवनगर मकान नंबर 50, मैंने वहीं जाकर कुंडली देखी थी, मुझे उनका यही एड्रेस पता है, बाकी मुझे पता नहीं। कल देव पूर्णिमा है। क्या बात है, कल वो पूरे परिवार के साथ पूजा करने जरूर आएगा। देखती हूँ अब वो मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। अरे अभी तक तैयार नहीं हुआ, जल्दी करो। हाँ तरुण, तू रेडी हो गया क्या? हाँ मैं रेडी हूँ पापा। नर्स, पेशेंट को फिट सारे, हेड डॉक्टर को फोन करो। हेलो, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, आपके भाई की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें फिट्स आ रहे हैं, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। सिस्टर ज्यादा क्रिटिकल है क्या? ये आपको डॉक्टर से पूछना होगा। कितनी क्यूट लग रही हो, तुम्हारे पापा देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। बहुत हो गया मेकअप वेकअप, अब चलो भी। पापा क्या है बेटा? पंडित जी से मंगलसूत्र लेना भूल गया, आप मंदिर जाइए मैं सीधे वहीं पहुंचता हूं। ये क्या बेटा, तुझे अभी याद आया, कितना भुलक्कड़ है तू। ठीक है तू मंगल सूत्र लेकर शर्मा जी की दुकान पर आ जाना, हम वही वेट करेंगे। अच्छा ठीक है। अब चाचू मुझे भी आना है आपके साथ। नहीं बेटा तुम इन्हीं के साथ नहीं, मुझे आना है। बाइक पर जा रहे हो ना तो इसे भी साथ ले जाओ। वो क्या है ना भाभी, कितनी जिद कर रही है, साथ में ले जाओ ना। ठीक है चल। मैडम ये सब देखना हमारे डिपार्टमेंट का काम है, अगर वो दिखेंगे तो मैं बता दूंगी। तू अपना काम करना। कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ में हम उसे कैसे ढूंढेंगे? क्या बे, उसे हर हाल में ढूंढना है समझा, अगर आज वो नहीं मिला तो तू तो गया गधा। तू इतना घबरा क्यों रहा है? घबराऊं नहीं तो क्या करूं, भवानी के गुंडे हाथ में फोटो लेकर मुझे अब भी ढूंढ रहे हैं। तुझे एक बात बताऊं क्या? क्या? वो मैडम जी यहाँ पर आई हुई है माथा टेकने के लिए, अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। अंजलि को? हाँ अर्नॉल्ड, वो अंजलि और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पल्ली में ही है। अंजलि का बॉयफ्रेंड है? हाँ अर्नॉल्ड, उसका बॉयफ्रेंड और कोई नहीं, तेरा वो दोस्त तरुण ही है। अपना तरुण? आखिरकार मेरे दोस्त को एक प्रेमिका मिल ही गई, वो जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। वहाँ देख तो, वो रही, वो है अंजलि की माँ। क्या खूबसूरत दिखती है यार, उस अंजलि को भगाने के बजाय उसकी माँ को ही भगा के ले जाता। फालतू बकवास मत कर अर्नॉल्ड, वो लड़की नहीं वो तो आंटी है। आंटी है तो क्या हुआ, उन्हें एक ब्यूटी पार्लर में ले जाके चेहरे पे लीपा पोती कर देंगे तो बिल्कुल एक जवान लड़की की तरह खूबसूरत दिखेंगी। अर्नॉल्ड वो हमेशा अपने पास एक तलवार रखती है। तलवार रखती है? इस बेचारी बहन को हम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम अपनी गली बदल लेते हैं। हेलो, क्या हुआ दीदी, मिला क्या? नहीं मिला। आप टेंशन मत लो, वो मिल जाएगा। हाँ बोलिए मैडम। ध्यान रखो इस बार वो बचना नहीं चाहिए। वो जिंदा मिला तो भी उसकी लाश लाकर आपके कदमों में डालूंगा मैडम।
अब सब कुछ नॉर्मल है। अब डॉक्टर, नथिंग टू वरी, नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर, टेक केयर। आपको क्या हुआ पापा? कुछ नहीं हुआ बेटा, जरा सा बुखार है। तरुण, घर में किसी को? घर में किसी को नहीं पता है भैया। अम्मू, तू भी मत बताना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी चाचू। इसमें सिंदूर की खुशबू क्यों आ रही है? कोई उतारा करके फेंका हुआ नींबू तो नहीं है? स्वामी जी, इसे कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ? ये तो तरुण है, ये तो तरुण को ढूंढ रहे हैं, और मैं बेकार में ही भेष बदलकर भिखारी की तरह गली गली घूम रहा हूँ। ठीक से देख कर बताओ। कहाँ ना नहीं देखा, मेरे सीनियर से पूछ लो ना। तुम दोनों मिलकर अच्छी कॉमेडी कर सकते हो, चलो यहाँ से। आर्नोल्ड, रैम्बो, गुंडे लोग कहकर गए कि हमारी जोड़ी कॉमेडी में नंबर वन है। ये तो अच्छी बात है। तो फिर कॉमेडी करते करते ही चलते जाएंगे। हमने जूस पिया लेकिन पैसे नहीं दिए। देखा, तुम भूल गए क्या? जाते जाते बच्चों का आशीर्वाद तो दे दो। आशीर्वाद? येड़ा बन के पेड़ा खाना कॉमेडी है। वाह वाह। हम दोनों जहाँ कहीं भी रहेंगे कॉमेडी होगी, आप लोग एंजॉय करो। बहुत ओवर एक्टिंग करता है। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा सुनो, अगर तरुण दिखा तो मुझे इन्फॉर्म करो। यस सर। ठीक है, मैं राउंड अप पर जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना। चलो गाड़ी निकालो। आइए आइए भाई साहब, नमस्ते। हाँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और आप ठीक हैं? हाँ, ठीक हूँ। तरुण के आने तक हम लोग यही इंतजार करेंगे, बैठ जाओ। ठीक है। मैडम जी, अंजलि मेरे सामने और वो लड़के के घर वाले भी। रुक, मैं आ रही हूँ। बेवकूफ। सॉरी सर। सर सर सर, वो देखिए। चलो पकड़ो उसे। पता नहीं कहाँ रह गया भयंकर। चलो मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगी। कहाँ ना चलो। ए, ये क्या कर रही हो? ये मेरी बेटी है, अगर बीच में कोई आया तो ठोक डालूंगी। तो चल मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगी माँ। अरे, एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो यहीं गाड़ दूंगी तुझे। चुपचाप चल मेरे साथ। चलो, अब ये बालिक हो चुकी है, अब कानून ने इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। लड़की, तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है तो मुझे कानून सिखाएगी? अपने हद में रहिए। बेकार में तमाशा मत कीजिए यहाँ। जिस दिन से आपकी बच्ची मेरे बेटे को अपना मानकर घर आई, उसी दिन से ये मेरी बहू बन गई है। इसकी शादी होगी तो मेरी मर्जी से, आपकी नहीं, समझ गए? ऐसा नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। भवानी, अब ठीक है ना? छोड़िए मुझे। देखिए माँ, चुपचाप चली जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। ए, मैं तेरी माँ हूँ अंजलि। हटिए, आप माँ कहलाने के लायक भी हैं? माँ का मतलब पता है? माँ के नाम पर धब्बा है आप। चली जाइए, ये मेरी जिंदगी है, आपका मेरी जिंदगी पर कोई हक नहीं है। चली जाइए। जिस दिन मैंने वो घर छोड़ा, आप सब लोग मेरे लिए मर गए। माँ तो छोड़िए, आप एक औरत कहलाने के भी लायक नहीं है।
क्या दीदी तुम भी ये बड़बड़ किया जा रही हो, तुम चुपचाप सुनती जा रही हो। ए, तू चल। भवानी, जिस वक्त इसने कहा कि हम इसके लिए मर गए, उसी वक्त से हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। छोड़ जाने दे इसे। बहुत अच्छी नौटंकी है। जब तुम कहोगी मैं इसे पकड़ लूं, जब तुम कहोगी इसे छोड़ दूं, मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूं। हैं? दे, छोड़ मेरी बेटी को। तू क्या सोचती है, अगर तू कहेगी कि मैं इसे छोड़ दूं तो मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं इससे शादी करूंगा। हे, तू चल। चल बैठ। बेटा, मैं खुद को हमेशा सही समझती थी और मुझे भवानी पर भी पूरा भरोसा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मुझ पर हाथ उठाएगा, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि अंजलि सिर्फ तुम्हारी है। सारी मुसीबत की जड़ तू और तेरा वो आशिक है। तू हंस क्यों रही है? तू मुझे भगा के तो ले जा रहा है, अगर तरुण आ गया ना तो तेरी खैर नहीं। ले आ गया वो। किसे? तो मैं। अबे, आखिर तू आ ही गया। ये तेरी होगी या मेरी होगी, इसका फैसला अभी करेंगे। तुम वहां चले जाओ। वो मेरे साथ जाएगी, लेकिन तू सीधे ऊपर जाएगा। तेरी होने वाली बीवी से तूने प्यार किया, ये उसी की सजा है। जिस वजह से अंजलि अपना घर छोड़ के मेरे पास आई, वही शैतानियत मैंने भी की, तो मुझमें और तुझमें क्या फर्क रह जाएगा? अंजलि सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता।
Okay, this track is for Swing. All the lover boys out there. 2012. तरसाया है तड़पाया खुली आंखों से मैं सोने लगा तरसाया है तड़पाया आग पे पानी होने लगा वक्त का है ये सितम हो गया मैं तो खत्म आंखों के रास्ते में चला आई जब भी तू नजर है तरसाया है तड़पाया खुली आंखों से मैं सोने लगा तरसाया तड़पाया आग पे पानी होने लगा नदी के पानी में जो तेरे नाम की है लहर मछली जैसी तू मचलती जाए तेरे प्यार की आग में जलता मैं हूँ हर पल थोड़ा सा प्यार तू बरसा दे आँखों में बस जाने दे अब सांसों में बह जाने दे अब सदियों से मैं ढूंढता हूँ वो तू ही है आँखों में बस जाने